गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आप बात कर रहे थे लास्ट इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर। अच्छा ना, आप लोगों ने अभी तक एफडीआई के जितने प्रोविजंस पढ़े, डिड यू फाइंड इट वेरी टफ टू रिमेंबर समथिंग लाइक दैट? नहीं, आगे भी नहीं होगा। आप लोगों ने मेन एफडीआई प्रोविजन समझने हैं। अभी कहना क्या चाह रहा है ना कि जब कभी भी आप आ रहे हो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे, तो जाहिर सी बात है इस बार जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहे हैं, ये कोई फॉरेन एंटिटी ने आपके यहाँ पे शेयर्स खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट किया था, अब वो ट्रांसफर करना चाह रही है। तो अब आपको पूछ रही है कि भाई इस टाइम पे जब आप लोग, एक बाहर के पर्सन ने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे और खरीदने के बाद वो यहां से वहां ट्रांसफर कर रही है, तो इस टाइम पे कौन सा प्रोविजन लगता है? सो लेट्स सी, इशू शेयर्स विद इन 180 डेज। एक एक चीज याद रखनी है प्लीज इसमें। Shares should be issued within 180 days from the date of receipt of inward remittance. Better inward remittance का मतलब क्या होता है? बाहर से पैसा आना। हमारे देश में जब पैसा आ रहा है तो हम उसे बोलते हैं इनवर्ड रेमिटेंस। ये कह रहा है कि अगर बाहर से कोई आपको इनवर्ड रेमिटेंस कर रहा है पैसों की, तो उसको अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर कर देना? 180 डेज के अंदर कर देना। बहुत बढ़िया यार। थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल इंक्लूडिंग एस्क्रो अकाउंट ओपन एंड मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ डेबिट टू द एनआरई एंड एफसीएनआर अकाउंट। एनआरई क्या है? नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज अकाउंट, एक्सटर्नल अकाउंट। एंड दूसरी बात एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। अच्छा, इन दोनों ही केसेस में होता क्या है कि भाई आप लोग बोल रहे हो कि जो हमारे देश के लोग नहीं है वो अपना पैसा कहाँ होल्ड करते हैं? या तो एनआरई या फिर एफसीएनआर अकाउंट के अंदर होल्ड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चीज क्या कहना चाह रहे हैं, आपने अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर करना है पैसा आने के? 180 डेज के अंदर। बट राजा, पैसा तो तुम्हारे पास पहले दिन ही आ गया, आपके पास 180 दिन है। हमने कहा ऐसा भी तो हो सकता है 180 दिन तुम पैसे आराम से मज्जे करके यूज करो, बाद में कह दो अलॉटमेंट नहीं करना, आपको तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, 180 दिन आपने किसी के पैसे यूज कर लिए। और ऐसा थोड़ी कि बार वाला 25,000 रुपए भेज रहा है। यहाँ पे बातें जब चल रही है, अपन 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ की बातें कर रहे हैं। 1,000 करोड़ के ऊपर साल का इंटरेस्ट होता है 500 करोड़ रुपए। आपके डायरेक्ट 500 करोड़ बचते हैं, 180 दिन पैसे इस्तेमाल करो, बोल दो फेलियर टू अलॉट। इसीलिए इसने क्या बोला कि जब कभी बाहर से पैसा आता है आपको 180 दिन में अलॉट करना है। हम समझते हैं आपके साथ बहुत सारी कंडीशंस है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पास एक एस्क्रो अकाउंट होना चाहिए। एस्क्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है? वो पैसा वहां पे सेफ कीपिंग की तरह पड़ा रहेगा और तभी इस्तेमाल होगा जब आप अलॉटमेंट कर दोगे। अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ, एस्क्रो अकाउंट वाला पैसा वहीं सड़ता रहेगा जिस पे कोई ब्याज नहीं आप लोगों के लिए, और ब्याज है भी तो वो आपका नहीं, जब आप जिनको दे रहे होगे उनका होगा। श्योर इनफ, इसलिए एस्क्रो अकाउंट बनता है। सो आर वी गेटिंग इट कि क्यों हमने एस्क्रो अकाउंट वर्ड यूज किया? तो पहला, इसे आपको क्या याद रखना है, जैसे ही बाहर से इनवर्ड रेमिटेंस हुआ है वो पैसा डायरेक्ट कहाँ जाता है? एस्क्रो अकाउंट के अंदर जाता है। एस्क्रो अकाउंट में सेफ कीपिंग की तरह पड़ा रहता है, एंड दैट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर टू पर्पसेस। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप एस्क्रो लिखोगे ना, इसमें दो पर्पस लिखोगे, या तो जिस पर्पस के लिए पैसा आया था आपने अलॉटमेंट कर दिया, दिस मनी विल बी यूज टू पे इट टू द कंपनी, और अगर आपने अलॉटमेंट नहीं किया तो दिस मनी विल बी यूज टू सेंड इट बैक। बस ये दो ही चीजें हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। श्योर इनफ। चलिए नेक्स्ट, फेलियर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स विद इन 180 डेज। अच्छा, 180 दिन में आप अलॉटमेंट नहीं कर पाए। If the capital instrument are not issued within 180 days from the date of receipt of inward remittance, the amount of consideration so received should be refunded immediately to the non-resident investor by outward remittance. Outward remittance मतलब अब यहां से हम भेज रहे हैं थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। अच्छा, आप बार बार देख रहे हैं, they are stressing on this word थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। इसका मतलब क्या है कि आप आउटसाइड द बैंकिंग चैनल जाके ना पैसा रिसीव करोगे ना वापस भेजोगे। तो मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो मेरे देश के शेड्यूल कमर्शियल बैंक के चैनल के थ्रू ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा। श्योर। थर्ड कम्स डाउन टू नॉन कंप्लायंस। अब जाहिर सी बात है फेमा की गाइडलाइंस है तो पनिशमेंट भी फेमा ही देगा। नॉन कंप्लायंस विद द अबव प्रोविजन वुड बी रिकॉर्ड एज अ कॉन्ट्रावेंशन अंडर फेमा। आपने फेमा का उल्लंघन किया है एंड अट्रैक्ट पीनल प्रोविजन। इन एक्सेप्शनल केसेस रिफंड ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट मे बी कंसिडर्ड बाय आरबीआई ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। तो अब इसने यहाँ पे आरबीआई को दे दिया डिस्क्रिशनरी पावर। कौन सा डिस्क्रिशनरी? व्हाट डू मीन बाय डिस्क्रिशनरी? आपकी मर्जी, केस टू केस। अगर आपको लगता है कि 180 दिन के बाद वाला पैसा जो डिले में जा रहा है उसमें भी जस्टिफाइड रीजन है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे। सो मतलब क्या हुआ, इस सेक्शन के अंदर आपने कोई स्पेसिफिक पेनल्टी याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट इट मे इंपोज पीनल प्रोविजन। पीनल प्रोविजन एंड में दिए मैंने सारे पीनल प्रोविजन, बट इट इज सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ आरबीआई। अगर वो चाहता है आपके ऊपर पीनल प्रोविजन ना है, दे कैन कंप्लीटली रिफ्यूज एंड से आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगेगा। मतलब कोई कंपलसरी नहीं है। आपने कहा सर वो तो हर जगह ही होता होगा, ऐसा नहीं है। आप प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट करिए, चाहे कितना इनोसेंट मिसस्टेटमेंट हो, फिर भी आपके ऊपर पीनल प्रोविजन आएंगे, नो वन कैन फॉरगिव यू। आप मार्केट में कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करो, हाउएवर मिस्टेकन दैट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज, हाउएवर इनोसेंट दैट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज, आपके ऊपर पीनल प्रोविजन आएगा। तो हम क्या कहना चाह रहे, हमारा लेजिस्लेचर सैंक्शन लगाने का राइट देता है, माफी देने का नहीं।
वापस याद रखना, हमारा लेजिस्लेचर सैंक्शन लगाने का राइट देता है, माफी देने का नहीं। तो ये आपको बताता है कि एक्सेप्शनल केसेस में आपके ऊपर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड किया जाता है, पर इस केस में आरबीआई को डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया कि क्वांटम छोड़ो, एक्सेम्पशन देने का राइट भी आपको, ठीक है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हो दैट एक्सेम्पशन इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस, सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस केस, यहां पे आरबीआई इज द केस, श्योर इनफ। तो तीनों चीजें क्लियर है। 180 दिन में आप लोगों ने अलॉटमेंट करना है, नहीं किया रिफंड करो, टाइम पर रिफंड नहीं हुआ पीनल प्रोविजन अट्रैक्ट करोगे फेमा के, और अगर आरबीआई चाहे तो आपको एक्सटेंशन दे सकता है। इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स, अच्छा दिस कैन बी अ क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय एंड, नॉट अ क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा है, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स टू द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अंडर द एफडीआई पॉलिसी शैल नॉट बी लेस देन। अगेन अब ये क्या बात कर रहे हैं, बाहर एक फॉरेन रेसिडेंट है। देखो क्या होता है ना, हम भारतीय फॉरेनर से बड़े अट्रैक्ट होते हैं, मतलब फॉरेन मनी से, व्हाट आई मेंट, ठीक है, आप फॉरेन मनी से बड़े अट्रैक्ट से होते हैं। तो हमें दिल में एक डर है, क्या होता है ना, आप अगर आपके सामने आके कोई इंडियन आके बोले भाई डिस्काउंट चल भाग ऐसे हमारे यहाँ रूल, हम डिस्काउंट नहीं देते, ठीक है, पर शायद कोई फॉरेनर आपसे डिस्काउंट मांगे तो यहाँ पिघल जाओ, और आपको यहीं पे सख्ती दिखानी है। इसी के लिए आरबीआई ने इशू प्राइस नॉर्म बनाया आपके लिए कि भाई यहाँ नहीं पिघलना तेरा। इशू प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अंडर एफडीआई पॉलिसी शैल नॉट बी लेस देन, मतलब कम से कम इनमें जो अपन कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं उससे नीचे नहीं होना चाहिए। लेस देन व्हाट, द प्राइस वर्कड आउट इन अकॉर्डेंस विद सेबी गाइडलाइंस वेदर शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड। सेबी ने जो आपको प्राइसिंग गाइडलाइंस दी है आपको कब फॉलो करनी है, जब आपके शेयर्स लिस्टेड है। जाहिर सी बात है आपके शेयर्स लिस्टेड होंगे तभी आप बाहर जा रहे हो, तो एक तो आपने सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट करनी है। सर ये सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है? बच्चे आपको ना सेबी एक गाइडलाइन बताता है, जैसे कि आपको पिछले दो हफ्ते का एवरेज हाई एंड लो का एवरेज निकालना है, ये एक प्राइस है आपने गाइडलाइंस के हिसाब से कैलकुलेट करी। साथ में आपने अपने शेयर की क्या करवानी है, फेयर वैल्यूएशन करानी है। हमने कहा सर फेयर वैल्यूएशन कौन करेगा, भाई सेबी से ही रजिस्टर्ड एक रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर या फिर एक हरीश सर जैसा कोई इंसान एज पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग मेथडोलॉजी, दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अब बात समझना, यू टॉक अबाउट अ मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद सेबी, यू टॉक अबाउट अ पर्सन बींग सी ए, इन बोथ ऑफ द केसेज द पर्सन डूइंग द रिव्यू, आई एम सॉरी द वैल्यूएशन ऑफ ए शेयर्स शुड डू इट एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड pricing methodology on arm's length difference. Now what is arm's length basis? Independently. आप उनसे connected नहीं होने चाहिए। अब देखो होता क्या है, अगर जाहिर सी बात है आज अगर आप बोलोगे ना कि हरीश सर को मैं अपनी कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन करवाऊँ और बोलूँ कि मुझे फॉरनर्स को देने हैं ऐसे ऐसे करने, तो है ना वो बड़े बायस्ड प्राइसिंग करके देंगे आपको, क्योंकि इज समवेयर कनेक्टेड टू अस, ही इज गोइंग टू डू समथिंग और अयर हेवाई। तो पहली बात आर्म्स लेंथ कि आप अपने ही बंदे से नहीं करवाएंगे, एंड दूसरी बात हमें डर है कि दूसरा कोई भी आएगा ना तो वो अपने प्रिंसिपल्स लगाना चालू कर देगा। अच्छा आप लोगों ने डेप्रिसिएशन का मतलब जानते हैं, बहुत बढ़िया जानते हैं। डब्ल्यूडीबी मेथड सुना है, एसएलएम मेथड सुना है, कौन सा फॉलो करते हो, क्यों एसएलएम क्यों नहीं? और यहाँ पे अगर नॉर्मल अपन आईटी एक्ट से बाहर होकर बात है, आप एनपीओ चलो तो है ना, अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन आप लोग ये देखोगे कि जो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर एसएलएम में ना क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में आप क्या करते हो, हमेशा ऊपर वाला पकड़ते हो, उसी पे लगाते हो, लगाते रहते हो, उसी पे लगाते हो, लगाते रहते हो। सर उसमें हमारा लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि हर बार स्टैंडर्ड, मतलब एक लाख की प्रॉपर्टी है तो दस साल में जीरो हो जाएगी वो, जबकि डब्ल्यूडीबी में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जीरो नहीं जा रही, हर बार आप रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर लगा रहे हो, तो सर हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए हम लोग डब्ल्यूडीबी फॉलो करते हैं। आपने अपना बेनिफिट देखा, यही इसको पता है कि तुम ऐसा करोगे, इसीलिए आपने अपने प्रिंसिपल्स नहीं सेट करने, जनरली एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, आपको उन्हीं को फॉलो करना है और उसके हिसाब से वैल्यूएशन निकालना है। दैट्स व्हाट इट सेज एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग मेथडोलॉजी। तो दो चीजें अपन ने बात करी दोस्त, सबसे पहला सेबी ने जो प्राइसिंग मेथडोलॉजी दी है उसके हिसाब से प्राइस निकालो, सेकेंड क्या करना आपने जाके एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाके फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लेनी है। अच्छा रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन हो सकता है, सेबी रजिस्टर्ड लीड मैनेजर या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो सकता है, बहुत बढ़िया यार। थर्ड द प्राइस इज एप्लीकेबल टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट एज पर द प्राइसिंग गाइडलाइंस लेट डाउन बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम वेदर इश्यू ऑफ शेयर इज ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। राजा पहले प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब समझते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, एनीवन आपको पढ़ाया होगा सर ने, हाँ जी बहुत बढ़िया। वन थिंग इज फॉर श्योर दैट आप जब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात कर रहे हो इट इज इन द नेचर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, वेरी गुड। और
बहुत ही बढ़िया, तो मतलब प्रैक्टिकली अच्छा, कैन इट बी अ सिंगल इन्वेस्टर? सो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैन बी डन टू अ सिंगल इन्वेस्टर, कैन बी डन टू सब्जेक्ट टू सम इन्वेस्टर्स टुगेदर. One thing is very clear. It is done on a private placement basis. Acha, what is the reason of doing a private place? A preferential allotment. Anyone? No, but why shouldn't I go to public and why should I give so much of power to a single person? It's my question. Matlab, everyone knows that what is preferential allotment. My question is, why do we do that? Matlab, kyun karu? Main public ko dunga, power bhi bat raha hai. Dar nahi hai mujhe. Ek ke haath mein tum log 12-12% shares de doge. Tumhari meeting mein tumhari patthar rakad dega wo aage. नहीं ठीक है, अगर मिल गई तो आज अंबानी टाटा के अंदर बोल रहा है मैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में लेता हूं, दे पैसे. देगा अंबानी को? क्यों, क्या दिक्कत है? कैपेसिटी है, कंट्रोल जाएगा. यही तो मेरा क्वेश्चन है, फिर क्यों प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हो? कंट्रोल जा रहा है तुम्हारा. अच्छा तो देखो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है ना, सबसे फोरमोस्ट रीजन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इंडिया के अंदर यूजुअली तब होता है जब प्रमोटर का स्टेक कम हो जाता है, और अपन प्रमोटर का स्टेक बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो अपन सब्जेक्ट टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट खाली प्रमोटर को प्रेफरेंस देके कहते हैं, सर आप शेयर्स ले लीजिए तो आप लोगे, तो कंट्रोल तो पहले भी आपके पास ही था. आपकी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितने परसेंट होनी चाहिए, सॉरी मिनिमम शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए थी, 20% होनी चाहिए थी. 25 इज ऑफ पब्लिक, प्रमोटर की 20. हम प्रमोटर की बात कर रहे हैं, लल्लू पब्लिक की नहीं. Public shareholding should be 25%, promoter shareholding should be 20%. Promoter's contribution is 20% of the post-issue capital. You remember that? Yes. So 20% of the post-issue capital. तो preferential allotment क्या कह रहा है आपको? Preferential allotment कह रहा है कि भाई मैं कभी कभी promoter को बोल देता हूँ कि भाई तेरी public shareholding नीचे जा रही है, and in the event वो time पे ऊपर नहीं आई ना, तो इसकी वजह से कंपनी wind up हो सकती है. So better क्या है कि I do a preferential allotment to you and you give us the money and take those shares. One. Second, a very good point that Bradley mentioned, कि सर hostile takeover की situation हो रही थी, और ऐसे time पर हमको लगता है कि market में जो लोग हमारे against जा रहे हैं इनको रोकने के लिए better ये है कि जो मेरे खास खास विश्वास वाले लोग हैं मैं उनको preferential allotment कर दूँ. एक बार के लिए एक anti takeover method बन जाता है हमारा. Yes, तो ये भी एकदम सही है. तो इंडिया के अंदर rather than anti takeover से ज़्यादा ये preferential allotment promoter shareholding plus करना होता है, but again ये logic में 110% सही है, there's no denying to that. चलेगा एकदम, मैं तक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट समझ में आ गया. अब दोस्त आपने इससे डिराइव किया दैट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट डन बाय अ कंपनी टू टेक और टू गिव सम ऑप्शन टू अ सेलेक्टेड इन्वेस्टर और इन्वेस्टर ग्रुप. सो कैन अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बी डन इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल? वी सेड यस, गो अहेड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस एज एप्लीकेबल टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय RBI वेयर द इशू ऑफ शेयर इज ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. तो अगर आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने जा रहे हो तो हमने कहा यार प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, इसका मतलब है कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है. सेबी तो प्राइवेट प्लेसमेंट में आता ही नहीं है. सेबी तो बोलता है जब आप पब्लिक के पास जा रहे हो तब बीच में आता हूँ. अगर सेबी पब्लिक के पास जा रहे हो तब बीच में आता है और ये लोग कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, तो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें किसी एक और बड़े रेगुलेटर को बीच में लाना पड़ेगा, एंड दैट बिग रेगुलेटर इज नो वन एल्स देन योर RBI हु गिव्स यू गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में आपने कैसे काम करना है. शौरनम, तो अब बेटा आपने क्या समझा इस चीज़ के अंदर? आपके सामने इसने बोला कि इशू प्राइस कभी भी इन तीनों का जो भी हाईएस्ट है उससे कम नहीं होनी चाहिए. वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी इशू प्राइस कभी भी इन तीनों में से जो हाईएस्ट है उससे कम नहीं होना चाहिए. एक, अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी है तो यहाँ पे सेबी के रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके प्राइस नहीं करो, जो मैंने आपको बताया 2 वीक्स एंड 26 वीक्स का एवरेज निकलता है. सेकेंड, फेयर मार्केट वैल्यूएशन करा के लेके आओ, एक रजिस्टर्ड वैल्यूएशन से. एंड थर्ड, अगर आप प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो तो आपने क्या करना है, RBI गाइडलाइंस के हिसाब से आपने जो एक रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर होता है उस हिसाब से डील करना है. इन तीनों में से जो हाईएस्ट प्राइस है ना, दैट शुड बी द इशू प्राइस. सही बात है. In addition to the above, where the non-residents are making investment in Indian company in compliance with the provision of Companies Act as applicable by way of subscription to its MOA, such investment may be made at face value subject to their eligibility under the FDI scheme. अब इस लाइन को और कुछ याद मत रखना. What they are trying to say, बाहर का investor मेरी देशी कंपनी में invest कर रहा है, चाहे तू बाहर का हो चाहे तू मेरे देश का हो, तेरे को कभी भी discount पे नहीं दूंगा. You cannot buy shares less than my face value is what they are trying to mention. बाहर का बंदा भी आ गया, they may be made at फेस वैल्यू सब्जेक्ट टू देयर एलिजिबिलिटी अंडर द FDI स्कीम. ज्यादा से ज्यादा अगर आप नीचे भी कर रहे हो तो उनको कितने पे दे सकते हो? फेस वैल्यू. फेस वैल्यू से नीचे नहीं उतरना चाहिए. फेस वैल्यू से ऊपर दे सकते हैं क्या? भगवान तुम्हारा भला करे. श्योर एनफ. एंड ऑन द कॉन्ट्री, फॉरेन इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं तो मैं क्यों उनको इतना डिस्काउंट दूंगा? डिस्काउंट पे तो मेरे भारत के लोग ही पैसा लेके खड़े थे. सो वी डोंट वॉन्ट देम टू बी अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट. दे शुड बी अट्रैक्टेड बिकॉज आर इकोनॉमी इज इन बूम. दे शुड बी अट्रैक्टेड बिकॉज माई कंपनी कैन डू वंडर्स एंड नॉट बिकॉज दैट्स अ चीप इन्वेस्टमेंट.
फॉरेन करेंसी अकाउंट आ जाए. इंडियन कंपनीज विच आर एलिजिबल टू इशू शेयर्स टू पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अंडर द एफ डी आई पॉलिसी मे बी अलाउड टू रिटेन द शेयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट इन फॉरेन करेंसी अकाउंट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई. बहुत बढ़िया, आरबीआई के अप्रूवल से आप लोग ने क्या मेंटेन करना है, एक फॉरेन करेंसी अकाउंट जिसके अंदर सारा का सारा पैसा मेंटेन किया जाता है जो बाहर से है. एक बार के लिए वापस इस लाइन को रीड करो, मैं इसका कुछ तात्पर्य बताना चाह रहा हूं. जो कंपनीज एलिजिबल हैं शेयर्स इशू करने के लिए भारत के बाहर के रेसिडेंट्स को, मे बी अलाउड टू रिटेन द शेयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट इन फॉरेन करेंसी अकाउंट प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ आरबीआई. नहीं समझे बच्चे? अच्छा देखो क्या होता है ना, हम भारत के अंदर अगर आपको याद हो फेमा गाइडलाइंस के अंदर बोलते हैं कि आप में से कभी भी कोई फॉरेन करेंसी अपने पास होल्ड नहीं करता, आप में से कभी भी कोई फॉरेन करेंसी अपने पास होल्ड नहीं करता. फॉरेन कॉइन्स होल्ड करने है, कॉइन्स होल्ड करो, बट करेंसी नहीं होल्ड करनी हमने. सो व्हेन वी आर सेइंग कि आपने करेंसी होल्ड नहीं करनी है, हमने कहा यार आज आप बाहर इन्वेस्टमेंट बाहर से शेयर इशू कर रहे हो, आपको तो पैसा मिलेगा, और जाहिर सी बात है बाहर वाला इंसान आपको इंडियन रुपीज में पैसा नहीं देने वाला, बाहर वाला इंसान पैसा देगा आपको फॉरेन करेंसी में. आप बैठ के कन्वर्ट करोगे, और व्हाट इफ मेरे को पैसा बाहर ही कोई चीज परचेस करने में यूज करना है, मैं पहले इंडिया में लाऊं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराऊं, फिर बाहर जाते हो फिर घुमाऊं, फिर इस करेंसी को बाहर लेके जाऊं, एक्सचेंज रेट में तो मेरी सत्यानाश है पूरी यार. व्हाई शुड आई डू दिस विच मेड सेंस, एंड जिसकी वजह से आपको एक फॉरेन करेंसी अकाउंट बनाने के लिए बोला गया, और बोला गया कि इसके अंदर आप क्या होल्ड कर सकते हो, फॉरेन करेंसी ही होल्ड कर सकते हो, और आपको जरूरत नहीं है कि उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके यूज करें. अगर आप इंडिया में यूज करना चाहते हैं तो एज एंड व्हेन जितनी जरूरत है कन्वर्ट करो, करो इस्तेमाल, और जिसकी जरूरत नहीं हो पड़ा रहने दो वहां पे. दैट्स व्हाई आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट का आइडिया दिया गया. श्योर एनफ, गोइंग अहेड, इट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. अच्छा, ये जो शेयर्स की पूरी बात चल रही है ना, इसको पूरा ही इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है ना? क्यों मैं बताता हूँ, सिक्योरिटीज मार्केट EBCL दोनों सेकंड ग्रुप के अंदर आते हैं. सिक्योरिटीज मार्केट प्रीडोमिनेंटली शेयर्स की बात करता है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा पेपर का दोनों का कैसे ना कोलाइडेड वर्जन देने के लिए EBCL में शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने का ज्यादा अच्छा राइट रखते हैं. तो ये वाला सेगमेंट एकदम स्लोली स्टेडली चलना, आगे वाला पार्ट एकदम फास्ट निकलेगा अपना, इसको स्लोली स्टेडली एकदम जमाते हुए चलना, हल्की सी भी गलती नहीं चाहिए इधर अपने को. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. अच्छा राजा, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, एक उधार है एक डेट है. डेट है जो आज नहीं आगे चल के कन्वर्ट होने वाली है, डेट है तो हमेशा कन्वर्ट होके क्या बनेगी, इक्विटी बनेगी. देयर इज नो डिनायल टू दिस, ऑलवेज रिमेंबर. इफ इट इज द वर्ड, इफ द वर्ड इज कन्वर्टेबल, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी. हैव यू एवर हर्ड कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स? नो यू वोंट हर्ड इट. इट्स ऑलवेज अ डेट विच कैन बी कन्वर्टेड, एंड इफ इट इज अ डेट इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एंड नथिंग एल्स. Non-resident investors, non-resident Indians can also. अच्छा, क्या आपको non-resident investors और NRI में फर्क समझ में आ रहा है? एक मेरे भारत का ही है बस यहां पर रहता नहीं है, और एक बाहरी है और बाहरी रहता है. जो मेरे भारत के बाहर रहता है और जो मेरे भारत का हिस्सा है आप उसको बोलते हो non-resident investor, और जो मेरे भारत की पैदावेश है और जो यहां रहता नहीं है NRI can also invest in Indian companies by purchasing existing shares from Indian shareholders or from non-resident shareholders subject to the following condition. Line ka matlab pehle upar samajhna hai. Ek NRI ya fir ek foreigner. Ye word ekdam sahi lag raha hai. Ek NRI ya fir ek foreigner meri company ke shares khareed sakta hai. Chahe to mere Bharat ke resident se ya fir chahe to non-resident se jinhone Bharat ke shares khareed rakhe hain. Baat samajh mein aa gayi? A person resident outside India except NRI and OCB may transfer by way of sale or gift. एक second, आराम से मेरे को इसका मतलब समझना है. Take your time. ये आपने समझाना है आराम से. Just a second, है मेरे को एक important message है. Please आप देखिए. गाइज गाइज प्लीज रीड करिए एक मिनट. हाँ जी सॉरी, कहाँ थे, हो गया मतलब समझा दो जल्दी से.
नहीं समझ में आया, टफ लग रहा है कुछ, मैं समझा दो, हाँ जी बता दो, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी, बाहर का कोई बॉडी कंपनी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रही है, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी, तो ये क्या कह रहा है, आप में से कोई समझाना चाह रहा है? देखो इसने क्या बोला, अ पर्सन, पर्सन एज पर टैक्स इंक्लूड्स अ कंपनी एंड इंडिविजुअल, एवरी वन कम्स अंडर दिस, सो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट एनआरआई एंड ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी मे ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल और गिफ्ट, ठीक है, इन कंडीशंस को ना आपने लिखते हुए चलना है, एक बार चाहिए तो अपने नोट्स के ऊपर वापस से बना लो, अब मैंने इसको एक्सेप्ट एनआरआई एंड ओसी पे हटा दो, आपने सिर्फ क्या रखना है, अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मे ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल और गिफ्ट, वो चाहे तो सेल भी कर सकता है, वो चाहे तो गिफ्ट भी कर सकता है। सेकेंड पॉइंट में आपके पहले पॉइंट का मतलब सही हो जाएगा, एनआरआई इज मे ट्रांसफर बाय सेल और गिफ्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हेल्ड बाय देम टू अनदर एनआरआई। बेटा कहानी समझ में आ रही है? देखो चलो ठीक है, एक लेमन देते हैं, हिंदू कम्युनिटी कहती है हिंदू से शादी करना, मुस्लिम कम्युनिटी कहती है मुस्लिम से शादी करना, हमने एनआरआई को शेयर दिए, तू एनआरआई को ही बेचना, तू ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी है तो ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी को ही ट्रांसफर करना, और तुम सब फॉरेनर हो, तुम सब फॉरेनर को ही शेयर्स बेचना। वापस से रिपीट करते हैं, एनआरआई एनआरआई को ही बेचेगा, एनआरआई एनआरआई को ही गिफ्ट करेगा, मतलब अगर तू एक नॉन रेसिडेंट इंडियन था तो तू इंडियन था, बस तू नॉन रेसिडेंट था, तो शायद हमने तुझे किसी कंडीशन की वजह से ये शेयर्स दिए थे, तो आगे भी चल के भी तू इन शेयर्स को अगर किसी और को देगा तो वो भी हमारा क्या होना चाहिए, एनआरआई होना चाहिए। तू एक फॉरेनर था तो जाहिर सी बात है हमने तुझे फेमा गाइडलाइंस के हिसाब से फॉरेनर की तरह ट्रीट किया होगा, तो किसी को भी शेयर्स दे में कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ में आई? तो द पॉइंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ओवर हियर इज कि एनआरआई सिर्फ एनआरआई को बेच सकता है, बाकी सब लोग किसी को भी बेच सकते हैं। आई विल रिपीट, द पॉइंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इज एनआरआई सिर्फ एनआरआई को बेच सकता है, बाकी सब किसी को भी बेच सकते हैं, श्योर? तो ऊपर वाले पॉइंट में क्या कह रहा है कि अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया किसी को भी शेयर ट्रांसफर कर सकता है। नाउ ट्राई टू लिसन दिस एंड ट्राई टू डाइजेस्ट दिस, आई एम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बोर्न आउटसाइड इंडिया, एम आई एनआरआई और अ फॉरेनर? फॉरेनर, थैंक यू। अ फॉरेनर वॉन्ट्स टू ट्रांसफर शेयर टू एनआरआई, कैन ही और ही कैन नॉट? He can, because you said that a foreigner can transfer it to anyone. Again, the same example. This NRI wants to sell something to a foreigner. Can he? You said no. So the restriction goes for NRI and not for the foreigner. Sure enough, let's go ahead. A person, a resident outside India can transfer any security to a person resident in India by way of gift. Dekho, hum dil se bade saaf hai. Humne kaha, tu hamare yahan ka resident nahi hai. पर तू अपनी कोई भी चीज भारत के रेसिडेंट को देना चाहता है, भगवान तेरा भला करे, कोई सवाल नहीं, ठीक एकदम। तीनों पॉइंट समझ में आ गया, एनी पर्सन कैन ट्रांसफर सेल और गिव गिफ्ट टू एनी पर्सन ऑफ इंडियन शेयर्स, हाउएवर इफ यू आर एनआरआई यू कैन डू द सेल और गिफ्ट ओनली टू अनदर एनआरआई। थर्ड, इफ यू आर अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड यू आर गिविंग समथिंग टू अस, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। A person resident outside India can sell the shares and convertible debentures of an Indian company on a recognized stock exchange in India through a stock broker or a merchant banker. हमने कहा बात समझ, तू बाहर का बंदा है, हमने तो तेरे को बोला था तू कुछ भी कर सकता है हमारे शेयर्स का, कहीं पे ही बेच, अगर तेरे को बेचने ना तो बेस्ट तरीका देते हैं, इंडियन ब्रोकर को फोन कर और बोल कि तेरे शेयर्स को इंडिया के अंदर बेच दे। तो क्या एक फॉरेनर अपने शेयर्स इंडिया के अंदर ब्रोकर को बोल सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में बेच दो? सर ऐसा कैसे, वो तो फॉरेनर है। अरे बेटू शेयर्स तो इंडियन है, वो फॉरेनर है, इंडियन शेयर्स इंडिया में बिक रहे हैं, क्या दिक्कत है? बात समझनी है, मेरे पास एक कार है वैगनार, ठीक, मैं वो आपको बेचू या समृद्धि एक फॉरेनर है उसको बेचू, या फिर आप एक एनआरआई है आपको बेचू, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भारत का है, अब ये उसे बेचे, ये उसे बेचे या ये उसे बेचे, बिक तो कहां रही है वो, इंडिया के अंदर ही बिक रही है, तो हमें क्या दिक्कत है? अब अगर मैं कहूँ कि समृद्धि आप एक फॉरेनर हैं तो हमने क्या बोला था कि आप तो किसी को भी बेच सकते हो, सबसे अच्छा तरीका क्या है ना कि आप इंडिया में किसी कार ब्रोकर को फोन लगाओ और वो आपकी कार मार्केट में बिकवा देगा। आपने कहा हाँ यार कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं, तो बेटा बस वहाँ कार हटा दो, वहाँ शेयर लगा दो। समृद्धि के पास शेयर्स हैं, वो एक नॉन रेसिडेंट है और वो हमारे इंडिया के भी नहीं है, उनके पास शेयर्स थे, मैंने कहा सबसे अच्छा तरीका समृद्धि आपको बेचना है ना इंडिया के किसी ब्रोकर को फोन करो
और ब्रोकर को फोन करके बोल दो कि मेरे शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे बिकवा दो, वो बिकवा देगा. क्यों? क्योंकि आपके शेयर्स कहाँ के हैं? इंडिया के हैं. ऐसे थोड़ी कोई फॉरेन के शेयर्स जो हम हमारे इंडिया में लिस्ट करा के बिकवा रहे हैं. ये शेयर्स जो आपको मिले वो ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे. आप सिर्फ आप कहना चाह रहे हो कि आपको उसको बिकवाना है, तो कुल मिला के आप सिर्फ सेल आउट कर रहे हो आपके शेयर्स इंडियन मार्केट में. चारों पॉइंट एकदम क्लियर है? क्या क्या पॉइंट थे एक बार वापस बता दें. बाहर का रेसिडेंट किसी को भी शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है बाय वे ऑफ गिफ्ट और सेल. एनआरआई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि वो गिफ्ट या सेल एनआरआई को ही करेगा. थर्ड, भारत का रेसिडेंट जो बाहर का है यहाँ पे किसी कुछ कुछ भी दे दे हमें कोई दिक्कत नहीं. समृद्धि मुझे दान में शेयर्स देना चाहती, भगवान उसका भला करे, कोई दिक्कत नहीं. डी, अगर वो चाहती कि नहीं उसे बेचना है तो ब्रोकर को फोन कर सकती कि भाई इंडियन मार्केट में मेरे शेयर्स बेच देना. फिफ्थ, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैन ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल शेयर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी इन सेक्टर्स अदर देन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एनीवन? हाँ जी, बस आपका फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर प्रोहिबिटेड सेक्टर है, फॉरेनर्स को अपने को उसके शेयर्स नहीं देने. तो इसने क्या बोला, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैन ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल शेयर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी. इंडियन कंपनी के कोई भी शेयर्स, भारत का ब्रैडली इंडिया का रेसिडेंट है, उसके बाद इंडियन कंपनी के मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स हैं, वो कभी भी चाहे किसी को भी बेच सकता है, इवन इंक्लूडिंग अ फॉरेनर बेच सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे. मतलब पॉइंट बी कि वो कौन से सेक्टर के शेयर्स नहीं बेच सकता, दैट बिकम्स योर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर. श्योर क्या? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरल परमिशन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बाय वे ऑफ सेल अंडर प्राइवेट अरेंजमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. अगेन ऊपर वाला ही पॉइंट वापस से, इसने क्या बोला, जनरल परमिशन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बाय वे ऑफ सेल अंडर प्राइवेट अरेंजमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. आ जाइए, अब नोट, इन सब में गवर्नमेंट अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द इन्वेस्टिंग कंपनी फ्रॉम वन नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट. एनआरआई से एनआरआई के ट्रांसफर में गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है. सेक्टर्स विच आर अंडर ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता था, जिसमें अपने को कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है. तो इसने बोला अगर एक एनआरआई दूसरे एनआरआई को शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है इन्वेस्टी कंपनी के, वापस इन्वेस्टर इन्वेस्टी, मैं पैसा दे रहा हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, आपकी कंपनी जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं आप इन्वेस्टी हो, एक एनआरआई है जिसने इसके शेयर्स खरीदे थे, आज उसके शेयर्स इसके पास है, वो एक और एनआरआई को बेच रहा है, गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड ये कंपनी जहां पे है उस सेक्टर में ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक रूट 100% एफडीआई अलाउड है. श्योर सर? अगर यहां पे गवर्नमेंट रूट होता तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई है ही वो गवर्नमेंट रूट, तो हम क्या कर सकते हैं. इन एडिशन अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ स्टेक फ्रॉम वन नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट इन सेक्टर विच आर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट. यही वाली बात थी, अगर आप एक एनआरआई है जिसने उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है जहां पर गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत थी, आपको मिला और आपको शेयर्स मिले, पर अगर आज आप ये शेयर्स किसी और एनआरआई को देना चाह रहे हो तो आपको वापस से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा कि सर हम हमारे शेयर्स अब किसी दूसरे एनआरआई को देना चाह रहे हैं. सर इसका रैशनल और लॉजिक क्या है कि हम लोग अप्रूवल ले रहे हैं? प्रैक्टिकली जब आप यहाँ पे हमारे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे थे, ये हमारे मोस्ट कंटीजियस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग बाहर का डोमिनेंस नहीं चाहते हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स नहीं चाहते हैं. इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम पहले आपका पूरा प्रोफाइल देखते हैं, पोर्टफोलियो देखते हैं, दैट आर यू अ वर्थ इट इन्वेस्टर, और इससे हमारे सेक्टर में कोई हार्म तो नहीं है. तो प्रैक्टिकली द अप्रूवल रूट क्यों आता है बीच में, क्योंकि आप इन्वेस्टर का बैकग्राउंड चेक करना चाहते हो. जब आपने पहले हमारे गवर्नमेंट रूट में इन्वेस्ट किया था, हमने आपके बारे में चेकिंग की थी, आज आप किसी और एनआरआई को दे रहे हो, हमने कहा हमें उसकी चेकिंग करना भी बहुत जरूरी है हमारे सेक्टर में, चाहे इतने ही शेयर्स होल्ड करने के लिए. श्योर एनम? इसीलिए जब कभी भी कोई कॉर्पोरेट गवर्नमेंट रूट के अंदर आ जाती है तो उसमें अगर किसी एनआरआई ने भी शेयर्स खरीदे और वो किसी एनआरआई को भी ट्रांसफर कर रहा है तो आपको वापस क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है. पर अगर ये कंपनी एक ऑटोमेटिक रूट की पर्सनालिटी थी तो जिस एनआरआई ने यहाँ पे खरीदा है वो किसी और एनआरआई को भी दे सकता है और अप्रूवल की जरूरत नहीं है. सर बट एक एनआरआई है, ऑटोमेटिक रूट है, पर ये एनआरआई को नहीं ट्रांसफर करना चाहता, ये किसी फॉरेनर को ट्रांसफर करना चाहता है, हमने कहा अब तेरे को अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एनआरआई टू एनआरआई अप्रूवल था. ठीक है, तो तीन चीजें लिखा रहा हूं, लिखो.
मतलब आपको समझ में आ गया, पर बाद में जब पढ़ोगे कहीं भूल ना जाओ. एनआरआई टू एनआरआई अंडर ऑटोमेटिक रूट, एनआरआई टू एनआरआई अंडर ऑटोमेटिक रूट, एनआरआई टू एनआरआई अंडर ऑटोमेटिक रूट स्लैश स्लैश बनो डैश नो परमिशन रिक्वायर्ड. NRI to NRI under government root dash permission required. NRI to NRI under government root permission required. NRI to any other not NRI to any other non-NRI permission required. Sure? Let's go ahead. NRI to a person who is a non-resident, मतलब कि कोई foreigner, उसको कर रहे हो permission required. जो भी आपने शेयर्स बेचे हैं और जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? नॉर्मल बैंकिंग चैनल से आ रहा है. एंड शैल बी सब्जेक्ट टू नो योर कस्टमर चेक. देखा इसने वापस क्या बोला कि आप अपने कस्टमर को जान लो कौन इन्वेस्ट कर रहा है. सेकंड एस्क्रो, बच्चे एस्क्रो का मतलब क्या होता है? सर्टन कैटेगरी ऑफ बैंक्स हैव बीन गिवन जनरल परमिशन टू ओपन एस्क्रो अकाउंट एंड स्पेशल अकाउंट ऑफ नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट्स फॉर ओपन ऑफर्स एग्जिट ऑफर्स एंड डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स फॉर्म FCTRS. दो चीज़ें हो चुकी है आपकी. सेल कंसिडरेशन आपने कैसे बैंकिंग चैनल से लाना है. सेकेंड एस्क्रो अकाउंट में पैसा डालना है. थर्ड फॉर्म FCTRS, ये फॉर्म याद रखना है. शुड बी सबमिटेड टू ईडी कैटेगरी वन बैंक. जल्दी बता दो ईडी कैटेगरी वन बैंक क्या होता है. ईडी कैटेगरी वन क्या होता है? समझ गया मैं. ईडी कैटेगरी वन क्या है? मैं समझ गया कि ईडी कैटेगरी वन कब काम आता है. वेरी गुड. बट ईडी कैटेगरी वन में कौन आते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, हमारे सबसे टॉप मनी एक्सचेंजर्स होते हैं ईडी कैटेगरी वन. उसके नीचे टू थ्री रूरल डिपार्टमेंट. मैंने रूरल बैंक्स के बारे में बताया था, वो तीनों कैटेगरीज फेमा के अंदर पढ़ने पड़ी है. तो इसने क्या बोला, आपने ईडी कैटेगरी वन बैंक के पास जाना है किसी, और कौन सा फॉर्म फाइल करना है? FCTRS within 60 days from the date of receipt of amount of consideration. The onus of submission form FCTRS is within the given time frame would be on the transferor, transferee resident in India. इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी अगर मेरे देश में है, या फिर परचेजर मेरे देश में है, या फिर सेलर मेरे देश में, जो भी मेरे देश में आज है, फॉर्म FCTRS उसको फाइल करना पड़ेगा. सर अभी तक बात हजम नहीं हो रही है, थोड़ा सा और क्लियर करो. फॉरेनर ने सेल की, वो ट्रांसफरर है, तुम ट्रांसफरी हो. इंडिया में कौन है? ट्रांसफरी है. FCTRS कौन भरेगा? ट्रांसफरी भरेगा. इंडियन पर्सन ने अपना शेयर फॉरेनर को दिया, शेयर ट्रांसफर कर रहा है, तो ये कौन है? ट्रांसफरर. ट्रांसफरी कौन? फॉरेनर. पर फॉर्म FCTRS कौन फाइल करेगा? ट्रांसफरर. सो एनीवन हु इज इन इंडिया हैज टू फाइल दिस फॉर्म. श्योर एनफ. इंडियन कंपनी ने अपने शेयर्स फॉरेनर को दिए, फॉर्म FCTRS कौन जाएगा? इंडियन कंपनी. श्योर एनफ. कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर. चलो जल्दी से देख लो. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट बाय वे ऑफ सेल. ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बाय वे ऑफ गिफ्ट बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया व्हाइल फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन टू आरबीआई फॉर अप्रूवल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स बाय वे ऑफ गिफ्ट द डॉक्यूमेंट शुड बी एनक्लोज. कट कर दो. ठीक है. अच्छा यहां से जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये जल्दी से मेरे को इतना समझाओ, आप कनेक्ट करने चाहिए इससे जल्दी.
आया समझ में? अच्छा, नीचे फॉर्म तो आपको सेम ही लग रहा होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। FCTRS AD कैटेगरी 1 बैंक के साथ फाइल करना है। ऊपर समझो इसने क्या बोला, ऐसा कुछ खासा था नहीं जितनी आपने मेहनत करी इसमें। एक NRI दूसरे NRI को ट्रांसफर करना चाहता है विथ अप्रूवल। विथ अप्रूवल का मतलब है कि जाहिर सी बात है ये कोई गवर्नमेंट रूट वाले ट्रांसफर कर रहा होगा। तो हमने बोला गवर्नमेंट रूट वाला ट्रांसफर कर रहा है मतलब तेरे को RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ट्रांसफर इज एट अ प्राइस विच फॉल्स आउटसाइड द प्राइसिंग गाइडलाइन स्पेसिफाइड बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इसने क्या बोला, आप ऐसा ट्रांसफर कर रहे हैं एट अ प्राइस जो किसकी गाइडलाइन से बाहर जा रहा है, RBI की गाइडलाइन से बाहर जा रहा है। तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा अप्रूवल लेने के लिए? RBI के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट रूट में आ गए और आपका ट्रांसफर प्राइस ऐसा था जो आप हमारे रूट से बाहर जाके कर रहे थे। जाओ RBI के पास, अगर RBI आपको अलाउ करता है तो ठीक, नहीं तो जो RBI की सेट गाइडलाइंस है वो प्राइस निकालो और फिर FCTRS फॉर्म फाइल कर दो, एकदम ठीक है। आ जाए ए, अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम NRI टू NRI विदाउट अप्रूवल। इन द फॉलोइंग केसेस अप्रूवल ऑफ RBI इज नॉट रिक्वायर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये शेयर्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन यहीं पर रुक गए तब भी चलेगा, पर इतना शानदार जमा होना चाहिए ना, इसका क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट टू रेसिडेंट अंडर FDI स्कीम वेयर द प्राइसिंग गाइडलाइंस अंडर FEMA आर नॉट मेट। प्लीज हेडिंग का मतलब समझिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम NRI टू नॉन रेसिडेंट विदाउट अप्रूवल। इसने कहा इन द फॉलोइंग केसेस अप्रूवल ऑफ RBI इज नॉट रिक्वायर्ड। नीचे दिए गए पॉइंट्स है भाई, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट टू रेसिडेंट अंडर द FDI स्कीम। अरे बाहर से एक नॉन रेसिडेंट है और ट्रांसफर करके शेयर किसको दे रहा है? रेसिडेंट। क्यों परमिशन ले रहा है? हम रेसिडेंट को तो कुछ भी देने को तैयार थे, तो रेसिडेंट को ट्रांसफर करते वक्त क्यों परमिशन चाहिए? यहाँ तक तो एकदम की है। ट्रांसफर फ्रॉम NRI टू रेसिडेंट अंडर FDI स्कीम वेयर द प्राइसिंग गाइडलाइन अंडर FEMA आर नॉट मेट प्रोवाइडेड that the original and resultant investment are in line with the extended FDI policy and FEMA regulation in terms of sectoral cap, conditionalities such as minimum capitalization, reporting requirement, documentation. अब इसने कहा कि एक बाहर के इंसान ने एक इंडिया के रेसिडेंट को कोई चीज़ ट्रांसफ़र करी और शायद उसकी प्राइसिंग मैच नहीं भी हो रही, बट उसकी जो ओरिजिनल और जो इन्वेस्टमेंट थी वो इन लाइन थी FDI पॉलिसीज के हिसाब से, मतलब जो उसको FDI पॉलिसी के हिसाब से उसने इन्वेस्ट किया था और FDI पॉलिसी के हिसाब से एग्जिट ले रहा है। एग्जिट लेते वक्त ये कह रहा है कि आपने FEMA की प्राइसिंग गाइडलाइन फॉलो नहीं करी और इंडियन इन्वेस्टर ज़्यादा पैसों में या फिर कम पैसों में इन शेयर्स को लेने के लिए तैयार है, आपको हमारा अप्रूवल अभी भी नहीं लेना पड़ेगा प्रोवाइडेड FEMA रेगुलेशंस के हिसाब से जो सेक्टोरल कैप या फिर जो कंडीशन उसने रखी थी कि मिनिमम कैपिटलाइजेशन कैसे होगा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, आपने बाकी सारी चीज़ें अधैर की है जो FEMA गाइडलाइंस ने बोली थी। अगर आपने सारी कंडीशन अधैर की हैं और खाली आपकी प्राइसिंग गाइडलाइन हमसे अलग जारी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप हमारे रेसिडेंट को दे रहे हो, वी अलाउ इट। और जाहिर सी बात है अपना रेसिडेंट महंगे में क्यों खरीदेगा? इंडिया में शेयर्स की कमी पड़ रही है उस कंपनी के, जाहिर सी बात है बाहर का बंदा इसको वही चीज़ क्या देने वाला है, कम प्राइस पे देने वाला है। इसीलिए हमने कहा ठीक है हमें दिक्कत नहीं है दे दो। सेकेंड, द प्राइसिंग फॉर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लायंट विद द स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट एक्सटेंट एंड रेलेवेंट सेबी रेगुलेशन गाइडलाइंस सच एज IPO, बुक बिल्डिंग, ब्लॉक डील्स, डी लिस्टिंग, सब्सटैंशियल SAST, बायबैक। SAST क्या है? सब्सटैंशियल एक्विजिशन एंड ठीक है। देखो वापस से पहला पॉइंट बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं ऐसी कंडीशंस जहाँ पे NRI ने ट्रांसफ़र किया पर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्राइसिंग गाइडलाइन अलग भी जा रही है बट आपने FEMA के सारे रूल्स फॉलो किए हैं, अलाउड। सेकंड, आपकी प्राइसिंग है वो किससे कंप्लायंट हो रही है? सेबी रेगुलेशन और सेबी गाइडलाइन से कंप्लायंट हो रही है। आप देख रहे हो इसने क्या किया, आप FEMA से कंप्लाई नहीं कर रहे तो आप किससे कंप्लाई कर रहे हो? सेबी से कंप्लाई कर रहे हो। तो हमने कहा ठीक है दोनों ही रेगुलेटर्स हैं, और ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडियन इन्वेस्टर किसके अंडर कंट्रोल किया जाता है? सेबी के अंडर कंट्रोल किया जाता है। और आप कौन सी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो? सेबी की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो। सेबी देख लेगा कि आप उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। थर्ड, CA's सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट कंप्लायंस विद द रेलेवेंट सेबी रेगुलेशंस एज इंडिकेटेड अबव इज अटैच्ड इन द फॉर्म FCTRS टू बी फाइल्ड विद द AD बैंक। आपने सेबी की सारी गाइडलाइंस फॉलो की है, सेबी नहीं चेक करेगा ये बैठ के। सेबी ने कहा एक काम कर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा, उसको पैसे दे और बोल
कि तेरे को चेक करके देगा कि तूने सारी गाइडलाइन फॉलो की या नहीं की। अगर उसका सर्टिफिकेट साथ में लगाया हुआ है और तूने उसने कहा है कि तूने सारी चीज़ें फॉलो की है तो मैं तेरे को अप्रूवल दे दूंगा। श्योर ना? अब आ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट। कंडीशन सारी ध्यान रखती जानी है। आपने प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई पढ़ लिया, कब जरूरी नहीं होती है पढ़ लिया। अब आप पढ़ने जा रहे हो फ्रॉम रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट, वेदर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एज पर द एक्सटेंड एफडीआई पॉलिसी प्रोवाइडेड दैट द रिक्विजिट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन ऑब्टेंड। ओ माई गॉड, अगर प्रायर अप्रूवल के साथ है तो पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अधेयर्स विद द प्राइसिंग गाइडलाइंस रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। तू ऑटोमेटिक में नहीं, तू गवर्नमेंट रूट में तेरे को आरबीआई की प्राइसिंग गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। ऊपर ऑटोमेटिक था, तेरे को सेबी गाइडलाइंस भी चल रहे थे इसलिए हम बीच में नहीं है, पर अब ये गवर्नमेंट रूट है, तेरे को हमारी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। श्योर है? वेदर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अट्रैक्ट सेबी रेगुलेशन सब्जेक्ट टू अधेरेंस विद द प्राइसिंग गाइडलाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेरे को इस सेकंड वाले पॉइंट का मतलब समझना है। अच्छा, पहले वाले पॉइंट में डाउट है दोस्त? डाउट क्लियर है? मतलब ये थ्री डायमेंशनल आंसर है, क्लियर है? हाँ जी। सेकेंड पॉइंट जल्दी बता दो। हाँ जी, नहीं समझा? समझा बता दे बैठली। ठीक है, नहीं आप समझे नहीं। अपन हेडिंग क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम अ रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट। इसे मतलब तू एक रेसिडेंट है, तूने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। आज हो सकता है कि तेरे साथ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट में काम कर रहे हैं और तू इन शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा है, और तू किसके अंडर आ रहा है? तो क्या ऐसे केस में तुझे हमारी SST गाइडलाइंस के साथ भी अधेरेंस करना ही पड़ेगा? यस। तो अब बात समझो, पहला क्या डाला उसने? गवर्नमेंट का अप्रूवल। सेकंड क्या डाला उसने? आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी। थर्ड, सभी SST रेगुलेशंस फॉलो करने। SST आपको है ना? वेदर ट्रांसफर ऑफ शेयर डज नॉट मीट द प्राइसिंग गाइडलाइंस एट अ फेमा एंटरप्रेन्योरियल प्रोवाइडेड दैट द FDI इज इन कंप्लायंस विद द FDI पॉलिसी फेमा रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ कैप। सेम पॉइंट है। The pricing for transaction is in compliance with the specific explicit exact of SEBI regulations. Same point. CS certificate to the effect. Same एकदम ditto. जब एक resident से आप non-resident को transfer कर रहे हो, आपको government का approval लेना पड़ेगा, RBI की guideline follow करनी पड़ेगी, SAST करना पड़ेगा। अगर आपने जो ट्रांसफर किया शेयर्स का वो हमारी प्राइसिंग गाइडलाइन से मीट नहीं करता है, चाहे आप रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको भी वही चीज करनी पड़ेगी जो एक नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट को ट्रांसफर करते वक्त कर रहा था। सो इसमें आप डाल सकते हो सेम एज द कंडीशंस फॉर नॉन रेसिडेंट टू रेसिडेंट, सेम एज द कंडीशन फॉर नॉन रेसिडेंट टू रेसिडेंट। डी वाला पॉइंट कट कर दीजिए, उसकी जरूरत नहीं अपने को। दिस फिनिशेस ऑफ द टॉपिक ऑफ शेयर्स। अब बच्चा लोग अपन चले वाले ECB के ऊपर। 30 सेकंड खुद को फ्रेश कर लो और शेयर्स भूल जाओ, अब तो अपन दूसरी चीज पे एंटर करेंगे। अपने आप को रिलैक्स कर लो। शेयर्स और ECB का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है एकदम, पर कोशिश करूंगा कि कंडीशंस को कॉन्सोनेंस में पढ़ाऊं। बट एक बार के लिए, अब जो अभी तक यहाँ तक शेयर्स पढ़ा था, आराम से खुद को 2 मिनट रिलैक्स कर लो। अपन आने वाले अब नेक्स्ट चीज ECB के ऊपर। बाहर नहीं जाना आपने, 1 मिनट का टाइम है, यहीं पानी वानी पी लो, चिल कर लो। फेमा है इसमें, FDI पॉलिसीज है। धीरे धीरे देखो, FDI शुरुआत करते वक्त बड़ा मीठा लगता है, बीच में आते आते सर दुखाएगा, एंड तक आते सर पकड़ाएगा, ठीक है? तो आप हो एंड की तरफ ही, पर अब सर पकड़ाने का टाइम आने वाला है। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा तकलीफ। Now we're coming down to the next topic, that is conversion of ECB's lump sum fee royalty into equity. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं ना, आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था इक्विटी से इक्विटी को बेचना,
नॉन रेसिडेंट से रेसिडेंट को बेचना, रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट को बेचना, एनआरआई से एनआरआई या फिर फॉरेनर से फॉरेनर या फिर फॉरेनर से एनआरआई, ये आपने कंडीशंस पढ़ी थी। एक चीज़ याद रखना, आपने कंडीशन पढ़ तो सारी ली है पर याद कुछ भी नहीं रहेंगे, इस बात का फैक्ट होता है। और ये आप नहीं, ये सबकी कंप्लेंट होती है, मतलब एनीवन ऑन दिस प्लैनेट विल फॉरगेट इट। तरीका एक ही है, मल्टीपल रीडिंग्स, इसका और कोई तरीका नहीं होता दोस्त। आज अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, अपन कंसेप्ट समझ रहे हैं। आप ये अगर सोच रहे हो, अगर मैं आपको अभी कह दूँ ना अभी तीन कंडीशन लिखने के लिए, एकदम आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार नहीं आ रहा, बहुत नॉर्मल है, फेमा की यही खासियत है। तो आपने क्या करना है इस चीज़ को, आज आपने कंसेप्ट पढ़ा है, घर जाके से भी एक रीड दे देना है इन वाली चीज़ों को जो मैंने एकदम वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कराया, ठीक। एक दो दिन छोड़ देना, उसके बाद लिखने की कोशिश करना, आपको कुछ भी नहीं आएगा याद। उस दिन जब कुछ भी याद नहीं आया ना, जितना लिख पाओ उसके बाद फिर से रीड मारना, और सेकंड टाइम ऑनवर्ड्स तुमको सब याद रहने लगेगा। तरीका यही होता है इसका रीड करने का। तो एक बार में याद नहीं होता, दिस टेक्स टाइम, और ये एक ही चैप्टर है जिसमें कंडीशंस है, ठीक है एकदम। इसीलिए मैंने आपको एक दिन एक मिनट का ब्रेक दिया कि आप पहले खुद को वापस रिफ्रेश कर लो। अपन चल रहे ईसीबी। पहली बात, ईसीबी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। आप बाहर से बोरिंग कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, वी कॉल इट एज ईसीबी। मैंने ईसीबी का एक वीडियो भी बनाया था शायद तक, और आप लोग को बोला था आप उसको, अच्छा एक सेकंड, ईसीबी तो मैंने आपको पढ़ाया भी है ना, सॉरी हाँ, तो आपको पता ही है ना ईसीबी क्या होता है सर। हाँ, अमेंडमेंट वाला वीडियो देखा क्या किसी ने, देख लिया क्या, वेरी गुड। चलो कन्वर्जन ऑफ ईसीबीज, आप बात कर रहे थे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, कन्वर्जन कर रहे हैं। इंडियन कंपनीज हैव बीन ग्रांटेड जनरल परमिशन फॉर कन्वर्जन ऑफ ईसीबीज इनटू कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी इनटू इक्विटी शेयर्स फुली कंपलसरीली एंड मैंडेटरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। इसने क्या बोला, एक भारत की कंपनी को ये परमिशन दी गई है कि वो अपने बाहर की बोरोइंग्स को कन्वर्ट कर सकती है इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी इनटू इक्विटी शेयर्स कंपलसरीली एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। The activity of the company is covered under automatic route. पहली बात, अगर आप ECB को shares में convert करना चाह रहे हो तो आपकी जो activity है business की वो कौन सी route की होनी चाहिए, automatic। automatic route मतलब जिसमें RBI का approval नहीं लगता, और the company has obtained government approval if they are in approval route। तो automatic route हो तो आगे बढ़ो, और अगर आप मान लो government route के अंदर हो तो आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, RBI का approval लेने। The foreign equity after conversion of ECB into equity is within the cap if applicable. इसका मतलब कोई समझा दे, मान जाऊंगा। The foreign equity after the conversion is as per the cap. But how does currency plays in this game? वापस try करो। हाँ जी, अच्छा देखो, पहली बात समझो, मेरी अपन कहानी किसमें चल रहा है, ये मेरी भारत की कंपनी है, ये बाहर गई थी, ये बाहर से उधार लाई है। उधार कैसे लाई है, ECBs देकर, सही बात है। ECBs कौन से, कन्वर्टेबल ECBs है, मतलब ये कमर्शियल बोरिंग को वो कभी भी कन्वर्ट करेंगे, और आपको अब हमारा उधार मंगा की जगह ओनर बोलना चालू कर देंगे, सही बात है। अब ये कह रहा है कि जब कभी भी एक ईसीबी को कन्वर्ट करना होता है इक्विटी में, तो आप लोगों ने, अगर आप ऑटोमेटिक रूट में हो तो किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और गवर्नमेंट रूट में हो तो आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत है। अब एक और चीज़ समझनी है, हम लोग क्योंकि थोड़ा सा डरते हैं बाहर के फॉरेनर्स को कंट्रोल देने में हमारी कंपनी के मैनेजमेंट का, तो हमने हर जगह पे सेक्टोरल कैप्स लगाए कि इस वाले सेक्टर में आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को 25% शेयर्स दे सकते हैं, इस वाले सेक्टर में आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को 49% स्टेक दे सकते हैं, तो ऐसी कैप है। अब ये कह रहा है कि आप जब इक्विटी नहीं डेट लेने गए थे तब तो आप हमारे को कंपनी का मालिक बना ही नहीं रहे थे, तब तो आप उनको उधार ले रहे थे, तो उधार में तो हमने कहीं रिक्वेस्ट करी नहीं आपसे कुछ, हमको दिक्कत थी ओनरशिप नहीं जानी चाहिए। मुझे डर नहीं आज चिराग बाहर जाके यस के नाम पे 500 करोड़ की उधारी ले आए, उसका डर नहीं है, क्योंकि वो 500 करोड़ रुपए मांगेगा, ओनरशिप नहीं। पर इसी जगह पे अगर चिराग 100 करोड़ रुपए की इक्विटी ले आए ना, तो पैसे नहीं, वो ओनरशिप मांगेगा, वो प्रॉफिट में शेयर मांगेगा, वो कंट्रोल में हिस्सा मांगेगा। हम डरते हैं कंट्रोल से, सही बात है, ब्याज से डर नहीं लगता साहब, ओनरशिप से लगता है, याद रहेगी बात।
इसीलिए इसने क्या कहा, आपने ईसी भी दिया था बाहर, आप कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी में। एक चीज ध्यान रहे कि उतना ही पार्ट कन्वर्ट करना जितने से तुम सेक्टोरल कैप क्रॉस ना कर जाओ। मतलब कि अगर इस सेक्टर में एक कंपनी के अंदर 29% से ज्यादा का एफडीआई नहीं आना चाहिए, तो इस डेट के कन्वर्जन के बाद उनके पास 29% से ज्यादा की इक्विटी नहीं होनी चाहिए। सर अगर हो रही है तो उतना पार्ट कन्वर्ट मत कर, उसको रिडीम कर, बाकी पार्ट को रिडीम कर और सिर्फ उतना ही पार्ट कन्वर्ट कर जितना तू सेक्टोरल गैप के अंदर चल रहा है। लॉजिक क्लियर है? आई डू नॉट वॉन्ट यू गैस टू रिमेंबर द कंडीशन। लॉजिक क्लियर ऑफ दिस पॉइंट? प्राइसिंग ऑफ द शेयर इज एज पर द इशू प्राइस ऑफ शेयर, वेरी गुड। जैसा भारत में इशू प्राइस चलती है शेयर्स की, वैसे ही कन्वर्जन उसी इशू प्राइस पे करना है। मतलब मैं आपसे डेट लाया 100 करोड़ की, आज 100 करोड़ पे मैं आपको कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर दे रहा हूं। हमने कहा किस प्राइस पे, जो देश में इशू प्राइस चल रही है। कोई डिस्काउंट नहीं आपके लिए, एकदम ठीक है। अगर आपको लगे तो आओ, नहीं लगे मत आओ। थर्ड, कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब अंडर एनी लॉ एंड रेगुलेशन। ये पॉइंट तो आप अपने आप ही लिख लोगे। द कन्वर्जन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर ECBs अवेल्ड अंडर ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट एंड इज एप्लीकेबल टू ECBs ड्यू फॉर पेमेंट और नॉट एज वेल एज सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स अवेल्ड फ्रॉम नॉन डिस्ट्रिक्ट कोलेबरेशन। इस पॉइंट को सिर्फ इतना लिखना है, द परमिशन फॉर कन्वर्जन इज फॉर एनी काइंड ऑफ ECB whether secured unsecured, whether matured or yet to be matured, or whether under automatic route or government route, हर जगह allowed है। Sure enough, कोई guideline में कोई problem तो बोलो। ECB maximum कितना convert किया जा सकता है? Sectoral cap cross नहीं करना चाहिए। Sectoral cap का मतलब क्या होता है? एक company, एक foreigner हमारी company में कितना percent stake रख सकता है? Sure है? Conversion of lump sum fee royalty into equity। अब आप अपनी रॉयल्टी को इक्विटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, देखते हैं। एन इंडियन कंपनी कैन इशू शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स अगेंस्ट लमसम। अच्छा बेटा, एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी का नाम है विकास इन्फोटेक लिमिटेड, नोन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, नोन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू इंडियन रेसिडेंट्स फॉर देयर एनी काइंड ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स अंडर द सिक्योरिटीज मार्केट and also known to create new devices for a better and smooth running of the market. However, Vikas Infotech Limited knows it well that outside India there have been many major developments which we should take it in India. India ke andar aap transaction ke liye kaun sa cycle follow karte ho? T+2, sahi baat hai. Aisa thodi ki T+2 world ka sabse fastest segment hai. T+1 bhi available hai, par hum T+1 follow nahi kar pa rahe. जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। तो हमने बोला कि इंडिया में शायद T+1 थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और शायद ट्रांजैक्शंस फेल होने लगे और इन्वेस्टर्स का विश्वास हमारे ऊपर से हटने लगे, तो हमने ऐसा रिस्क नहीं लेना, हमने T+2 ही चलाना है। ओवर द टाइम हम भी T+1 में आएंगे। लेट सपोज कि इंडियन कंपनी ने आज अपने इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक फॉरेन कंपनी को फोन किया कि सर हमें ये तकलीफ आ रही है, बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, आप लोग एक डेवलप नेशन हो, आपके सामने ये सिचुएशंस पहले आई होंगी और आपने उसको कैसे कर्व किया। और उसने कहा कि वी विल गिव यू सजेशंस, वी विल गिव यू टेक्निकल नो हाउ, वी विल हेल्प यू, फॉर विच वी आर गोइंग टू चार्ज यू $1 billion। नाउ दिस $1 billion आपने कहा ऐसे कैसे बे, मतलब किस बात के 1 billion? ही सेड इट्स अ लम सम पेमेंट फॉर आवर सर्विसेज। आपने कहा भाई इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, हाउएवर हम तेरे को लमसम की जगह हमारी कंपनी की क्या दे सकते हैं, इक्विटी दे सकते हैं। दैट्स योर टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ लमसम मनी इनटू इक्विटी। आप बाहर से कोई सर्विस लेके आए थे, बाहर की सर्विस का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, उसको इक्विटी देना चाह रहे हो। बाहर से कोई चीज यहां पे इस्तेमाल करने के लिए लाए थे, उसे रॉयल्टी नहीं दे पा रहे हो, उस रॉयल्टी इक्विटी को कन्वर्ट करके कैसे यूज करना चाह रहे हो, रॉयल्टी या फिर लमसम को कन्वर्ट कैसे करना चाह रहे हो, इक्विटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। अभी श्योर एनफ व्हाट द टॉपिक डिमांड्स, एन इंडियन कंपनी कैन इशू शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स अगेंस्ट लमसम टेक्निकल नो हाउ फीस रॉयल्टी ड्यू फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एनी एंट्री रूट सेक्टोरल कैप एंड प्राइसिंग गाइडलाइंस एंड कंप्लायंस एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉस। हमने क्या बोला, सेम ऊपर वाले सारी गाइडलाइंस फॉलो कर लेना, टैक्स लॉस के हिसाब से देख लेना और रॉयल्टी की जगह पे क्या देना, शेयर्स देना, तेरे कोई भी लमसम पेमेंट की जगह शेयर्स देना। फर्दर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर अगेंस्ट एनी अदर फंड्स पेबल बाय द कंपनी रेमिटेंस ऑफ विच डज नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI अंडर FEMA और रेगुलेशन फ्रेम और डायरेक्शन इशूड देयर अंडर और हैज बीन परमिटेड बाय RBI प्रोवाइडेड
that the equity shares shall be issued in accordance with the extant FDI guidelines, sectoral cap, same point. The issue of equity shares shall be subject to tax laws as applicable and conversion to equity should be net of applicable taxes. Ab isne kya bola? Further, aap apne shares ko kisi bhi fund ke liye use kar sakte ho, dene ke liye, which does not require prior approval of government. Matlab ki automatic route. बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको किसी के अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. आपने बस दो चीजों से कॉन्फिडेंस रखना है, आरबीआई के एफडीआई गाइडलाइंस सारे फॉलो करने और आईटी एक्ट के सारे गाइडलाइंस फॉलो करने. अब इसका मतलब आप बार बार ये लाइन पढ़ रहे हो तो मैं आपको इसका एक ट्रीटमेंट देता हूं जो हमेशा याद रखना. इफ यू आर एवर अंडर ऑटोमेटिक रूट, इफ यू आर एवर अंडर ऑटोमेटिक रूट, आपको एफडीआई गाइडलाइंस पर से अपने आप ही फॉलो करनी है क्योंकि आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है. पर ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन है कि आप एफडीआई गाइडलाइंस सारी फॉलो करोगे. ठीक. सेकंड, साथ में जिस भी चीज के अंदर आप जा रहे हो, जैसे यहां पे आईटी एक्ट आ रहा है तो आपको और किसकी, टैक्स लॉस की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगे. श्योर इनफ. जब प्राइसिंग के ऊपर बात हो रही थी तो आप सेबी गाइडलाइन फॉलो कर रहे थे, तो जो भी चीज की बात कर रहे हो उसके रेगुलेटर का नाम लिख लेने का, खत्म. श्योर, ऑटोमेटिक में हमेशा दो ही नाम चलेंगे हमेशा. जैसे ही गवर्नमेंट रूट आएगा अपन बोलेंगे अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई. सही. अच्छा, आरबीआई भी करवाता तुमको वही है, पर मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट रूट के अंदर वो पर्सन असेसमेंट भी करता है, तभी वो आपको यहां पे आने देता है हमारी कैप के अंदर. होली ओन सब्सिडरी ऑफ अ नॉन रेसिडेंट एंटिटी. ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सिर्फ खाली रीड करके समझा दे. ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड करके देखो. पहले हेडिंग फेमा के अंदर हेडिंग पहले समझना, अंदर रीड तभी करना. हेडिंग नहीं समझ आया वो टॉपिक मत पढ़ना घर जाके. होली ओन सब्सिडरी ऑफ अ नॉन रेसिडेंट एंटिटी, बाहर की कोई एंटिटी. अच्छा, एंटिटी ये इंडिविजुअल नहीं होगा क्योंकि होली ओन सब्सिडरी की बात कर रहा है, मतलब वहां पे होल्डिंग कंपनी है, कोई बाहर की होल्डिंग कंपनी है उसकी मेरे देश में क्या बन रही है, एक होली ओन सब्सिडरी बन रही है. अब रीड करो, बढ़े आगे चलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर गवर्नमेंट रूट, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर एफडीआई पॉलिसी इज अलाउड अंडर द गवर्नमेंट रूट फॉर द फॉलोइंग. अच्छा बेटू, गवर्नमेंट रूट बोल लूं या फिर अप्रूवल रूट बोल लूं, बात बराबर है. प्लीज अप्रूवल और ऑटोमेटिक रूट को कंफ्यूज मत करना. अप्रूवल रूट इज परमिशन लेने के बाद जाना, ऑटोमेटिक रूट इज परमिशन की जरूरत ही ना होना. तो गवर्नमेंट बोलो अप्रूवल बोलो बात बराबर है. ये कह रहे हैं भाई, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर एफडीआई पॉलिसी अंडर द गवर्नमेंट रूट, दैट इज द अप्रूवल रूट. इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. अच्छा राजा, अब क्या हो रहा है ना, आप शेयर्स क्यों इशू कर रहे हो, क्योंकि बाहर से आपने कोई कैपिटल गुड्स इंडिया के अंदर लेके आने. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स? एज सिंपल एज दैट, आपकी बैलेंस शीट में जो एसेट में लिखते हो तुम. सही बात है, कोई मशीनरी बाहर से लेके आ रहे अपन इंडिया के अंदर, इट्स अ कैपिटल गुड फॉर मी, मेरे को उसके लिए पैसे देने हैं. जो मेरी शक्ल पे लिखा है मेरे पास नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो मैं शेयर्स दूंगा. एकदम ठीक है, दे भाई, बिल्कुल दे, पर तेरे को कैसे करना पड़ेगा देखो. इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स दैट इज मशीनरी सब्जेक्ट टू कंप्लायंसेस विद द फॉलोइंग कंडीशंस. पहला, एनी इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स मशीनरी मेड बाय एन इंडियन रेसिडेंट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू इंपोर्ट्स. माय गॉड, पहली चीज क्या बोली इसने, आप कोई भी इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स कर रहे हो ना, हम बाद में बात करेंगे शेयर्स की, आपने सबसे पहले इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज देखनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू की है. ठीक है, टफ पॉइंट तो नहीं याद रखने के लिए. सेकंड, द एप्लीकेशन क्लियरली इंडिकेट्स द बेनिफिशियल ओनरशिप एंड आइडेंटिटी ऑफ द इंपोर्टर कंपनी एज वेल एज ओवरसीज एंटिटी. इसका मतलब क्या बच्चे, इसने क्या बोला कि जो आपने एप्लीकेशन दी है ना उससे पता पड़ना चाहिए कि ये मशीन यूज कौन करेगा, दैट इज द बेनिफिशियल ओनरशिप एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इम्पोर्टर, ला कौन रहा है, इस्तेमाल कौन करने वाला है, एज वेल एज द ओवरसीज एंटिटी किससे ला रहे हो, मतलब कि द बायर द सेलर एंड द इमीडिएट बेनिफिशियरी, कौन बेच रहा है, कौन ला रहा है और किसके बेनिफिट के लिए ला रहा है. सर क्या इंपोर्टर और बेनिफिशियरी एक ही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है. पर क्या सर इंपोर्टर और बेनिफिशियरी अलग अलग भी हो सकते हैं? हो सकते हैं. मैं कोई मशीनरी लाया बट प्रैक्टिकली मेरे लिए नहीं, ब्रैडली को चाहिए थी. मैं कहा ठीक है, मशीन की वैल्यू 10 करोड़ थी, उसके पता ही था कि उसकी कंपनी की इतनी वैल्यूएशन नहीं है कि वो 10 करोड़ रेस कर पाए. मेरी थी, मैं शेयर इशू कर रहा हूँ उसके बेनिफिट के लिए. आरबीआई बोला कि तू पहले गवर्नमेंट रूट में, मेरे को ये पता कि मशीन जाएगी कहाँ,
ब्रैडली के पास, कल क्या होगा, वो तेरे को पैसे नहीं देगा, उसकी शक्ल पे लिखा है, फिर तू कहेगा वो तेरे को पैसे नहीं दे रहा तो मशीन वापस ले जाओ। इस चक्कर में इंटरनेशनल बाजार में हमारा नाम खराब होता है। तो पहले हमको सारी आइडेंटिटी दो, खरीद किससे रहे हो, खरीद रहा कौन है, और किसके पास अल्टीमेट बेनिफिशियरी जाने वाली है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी मतलब कौन इसे इस्तेमाल करेगा। तो इंपोर्टर एंड बेनिफिशियरी मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही होते हैं, पर अलग अलग भी हो सकते हैं, इसीलिए इन लोगों ने कहा कि कोई चीज़ रह ना जाए अलग से लिख के देते हैं। तो पहला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गाइडलाइंस फॉलो करो, कैपिटल गुड्स ला रहे हो। दूसरा, हमें एप्लीकेशन के अंदर सेलर, बायर, बेनिफिशियरी तीनों का नाम बताओ। Applications complete in all respect for conversion of import payable for capital goods into FDI being made within 180 days from the date of shipment of goods. बाहर से सामान ले आया, लगा दिया, मशीन चला रहा है, मजा आ रहा है, बढ़िया, ले मजे, पर इस मजे का पैसा देना पड़ेगा 180 दिन के अंदर। या तो इस ECB को FDI में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो अब तेरे को इन कैपिटल गुड्स के पैसे देने हैं, हम तेरे को अलॉटमेंट नहीं करने देंगे। आपने कहा ऐसा कैसा, हमने कहा शेयर्स का आपने आपको क्या रूल बताया था कि अगर एक बार FDI आता है तो शेयर्स कितने दिन में अलॉट हो जाने चाहिए, 180 डेज में। अगर तू इस कैपिटल गुड्स को FDI की तरह ट्रीट कर रहा है तो तब अलॉटमेंट कितने दिन में हो जाना चाहिए, 180 डेज में। कंडीशन याद रहेगी, 180 डेज क्यों बोला अपन ने, 180 डेज है। अली वापस समझाओ अली बात दोस्त, अली तू बाहर से मेरे को पैसे दिया, मैं तेरे को उसके लिए शेयर्स देने वाला था, अलॉटमेंट कितने दिन में करना है, 180 डेज। आज तू सेलर है, तू बाहर से मेरे को मशीन भेजा, अब मैं तेरी इस मशीन को कैसे ट्रीट करना चाह रहा हूँ, FDI की तरह, तो मैं तेरे को अलॉट कितने दिन में करूँगा, 180 डेज में। ये कह रहा है कि बाहर से सेलर आ रहा है, FDI पॉलिसी तो सेम ही रहेगी, अगर तू उसको FDI ट्रीट करना चाहता तो 180 डेज में दे शेयर्स, नहीं दिए तो फिर तू वापस से फाइन भर, क्योंकि FDI तेरे पास पहले से आ गया और पैसे नहीं दिए। सही बात है, ले ली मशीन के मजे। चलो, इक्विटी शेयर शैल नॉट बी इशूड अगेंस्ट सेकेंड हैंड मशीनरी, ठीक है, बाहर ज़्यादा औकात में मत आना, ठीक है। और दूसरी बात, सेकेंड हैंड मशीनरी क्यों प्रोहिबिट की जाती है, क्योंकि इसकी प्राइसिंग गाइडलाइन सही से नहीं पता पड़ती, तो आप FDI में बहुत बड़े फ्लॉज ला सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ओरिजिनल नई मशीनरी तो हमें पता है, जैसे फिलिप्स की ट्रिमर नहीं बोलने वाला हूँ, फिलिप्स का MRI मशीन ला रहे हो आप, अगर आप में से आज तक किसी के MRI हुए तो आप देखते होंगे फिलिप्स की एक बहुत बड़ी सी मशीन होती है, ऐसी ट्यूब की तरह जिसके अंदर बॉडी गोज एंड द MRI इज डन, राइट। वो एक मशीन आती है 2 से 2.5 करोड़ की, ठीक है, एक मशीन 2 या 2.5 करोड़ की आती है। हर हॉस्पिटल के अंदर आपको मशीन मिलेगी, लिख के ले लेना 80% ऑफ द टाइम वो मशीन सेकेंड हैंड आती है उनके पास। कैसे, पैथोलॉजी लैब वाले सबसे पहले तैयार रहते हैं कोई भी नई टेक्नोलॉजी है तो अपने पास लेके आने के लिए, और वो अपनी इन मशीन्स को निकालते हैं, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी नई मशीन कुछ एडऑन्स लाती है पर पुरानी बेकार नहीं हो जाती। तो यही 2 करोड़ की मशीन स्क्रैप के भाव में 50 लाख 60 लाख में देते हैं। आप कह रहे होंगे स्क्रैप 50-60, हाँ 50-60 लाख रुपए में देते हैं। अब बात समझो, मैं 50 बोलूं या 1 करोड़ बोलूं तुमको क्या पता पड़ेगा, मेरी सेकेंड हैंड मशीन है कितने में भी दूं। अब FDI भी तुम ऐसे ही करने लग जाओगे, बाहर से मशीन लाओगे, तुम कहोगे देख इनको क्या पता पड़ रहा है, सुनना तू एक काम कर, इतना मेरे से ब्लैक में पैसे ले ले, रिमेनिंग के शेयर्स देता हूँ, बोल देना 20 लाख में दे दी तूने 3 करोड़ की मशीन। अब RBI का गवर्नर बेंडा तो बैठा नहीं है, कहेगा एक मिनट रुक मैं मशीन चला के देखूंगा इसके अभी क्या सिस्टम चल रहा है। इतनी मेहनत नहीं होती हमसे, हमने कहा सेकेंड हैंड मशीन हटा, नहीं, नई चीज़ खरीदी ना तो FDI, सेकेंड हैंड खरीदे तो भर पैसे, श्योर इनफ, लॉजिक क्लियर। नाउ प्री ऑपरेटिव प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ये आपको बचपन से अकाउंट्स में सिखाया गया होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, बेटा पूजा कराई है ना, प्री एग्जाम्पल सबका कॉमन ही होता है। अच्छा, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कैन बी एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम प्रायर टू द कंपनी कॉल्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज अ प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, टाई अप विद अ वेंडर, आपने कोई प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए थे जो आपके इनकॉर्पोरेशन में आपकी हेल्प कर रहे थे, आपने कंपनी के लिए कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रखी थी जहाँ पे सारे डिस्कशंस चलते थे, सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते थे, ये सारी चीज़ें प्री इनकॉर्पोरेशन आपके एक्सपेंसेस है, राइट। अब ये क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ रेंट, जो कंपनी बनने से पहले आपने रेंट भरा है वो भी क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस विद द फॉलोइंग कंडीशंस, सबमिशन ऑफ FIRC फॉर रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय द ओवरसीज प्रमोटर फॉर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, बाहर से एक सब्सिडरी है, बाहर की कंपनी जिसने यहाँ पे सब्सिडरी बनाई, उसके जितने भी खर्चे हुए वो पैसा कहाँ से आ सकता है, बाहर से रेमिट किया जा सकता है ओवरसीज प्रमोटर की तरफ से उसकी इंडियन सब्सिडरी के लिए। वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन ऑपरेटिव एक्सपेंसेज बाय द ऑडिटर, पर आपको इंडिया के अंदर एक ऑडिटर से वैल्यूएशन कराना होगा कि सच में ये एक्सपेंडिचर्स हुए थे, तभी हम बाहर से पैसा ऐसे आने देंगे वरना नहीं आने देंगे।
Payment should be made by the foreign investor to the company directly or through the bank account opened by the foreign investor as provided under FEMA regulation. In kharchon ke liye, pre-incorporation kharchon ke liye, pre-operative kharchon ke liye, sara paisa investor jo bhej raha hai, usko kaise bhejne? FEMA regulations ke hisab se. Acha, ek second. Aap zahir si baat hai, in kharchon ke liye bhi aap usko kya dena cha rahe ho? Shares. Kitne din mein dena? The application complete in all respect for capitalization being made within period of 180 days from the incorporation of the company. Jab company incorporate ho jaye, acha ek second. Sir, jis din paisa hai, wahan se 180 days gine kya? Na. Company bane to sahi mere bhai, kyunki abhi to company position mein nahi hai shares dene ke. From the incorporation of 180 days. Sure? ठीक है, जनरल कंडीशन, जो भी रिक्वेस्ट है फॉर कन्वर्जन शुड बी अकम्बाइंड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, सारे मेंबर्स ने अलाउ किया है. गवर्नमेंट्स अप्रूवल वुड बी सब्जेक्ट टू प्राइसिंग गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई एंड अप्रोप्रिएट टैक्स क्लियरेंस. कमिंग डाउन टू इशू ऑफ शेयर्स, अच्छा मैंने ये तुमको विकास सर ने ICDR गाइडलाइंस पढ़े होंगे. आई एम प्रीटी श्योर वो ICDR में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, कम से कम 18-20 लेक्चर हो गए होंगे तुम्हारे ICDR में, उनका फेवरेट है वो. ठीक है, तो ICDR गाइडलाइंस, अच्छा फेवरेट है मतलब इन द सेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी तुम्हारे लाइफ की ICDR, सबसे आगे भी तुम आओगे ना अपने में 22 घंटे प्रोफेशनल के अंदर बहुत चलता है, ICDR चलता ही रहता है, खत्म नहीं होता वो. सो ICDR इज एज गुड एज अ परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट. अभी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, कुछ भी नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर लो यहाँ तक पहुँच जाओ, सिर्फ ICDR की बात करेगा. रीड करके देखो, स्पीड में रीड करेंगे, बस आपने जो मैं ऊपर पढ़ाता है ना वो चीजें आएंगी कि भाई शेयर सेक्टोरल गैप के हिसाब से होना चाहिए, बोनस सेक्टोरल गैप के हिसाब से होना चाहिए, बस यही चलने वाला है, पर पूरी ICDR की बात चलेगी. बस थोड़ा सा ही पार्ट चैप्टर का बाकी है, जनरली वी वोंट टेक मच टाइम क्योंकि पेनल्टीज या रिपोर्टिंग सेक्शन बहुत जल्दी होता है, बस आपने हार्डली आधा घंटा और थोड़ा सा प्रेशर लेना है, उसके बाद जनरली बहुत सिंपल रीडिंग रह जाएगी. कहाँ तक पहुँच गए दोस्त, हो गया रीड, इज एनीथिंग डिफरेंट? कुछ भी नहीं, बस सेक्टोरल गैप का ध्यान रखना, सारे रेगुलेशंस जो रेगुलेशन आपके ऊपर लगते हैं उनका ध्यान रखना. तो इसके ऊपर आप आराम से BBIMPNH डाल दें, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. माई BBIMPNH ऑलवेज मीन्स ओनली रीड, नेवर मीन्स कि कट करके कभी जीवन में इसकी शक्ल नहीं देखेंगे टाइप्स, भगवान नियम. एक्विजिशन ऑफ शेयर्स अंडर स्कीम ऑफ मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन टाइम पास, अच्छा एक सीन, मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन की बात कर लो, आप कंपनीज एक्ट 2013 में चले जाएं तो 390 से 394, या फिर आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 में आ जाओ तो सेक्शन 230-240 मर्जर अमलगमेशन डीमर्जर्स अरेंजमेंट्स के ऊपर बात करता है. ठीक है, तो बड़ा प्रोमिनेंटली इसका टारगेट क्या होता है, या बड़ा प्रोमिनेंटली अपन बोलें कि ये करना क्या चाह रहा है, क्या अचीव करना चाह रहा है, इसने कहा स्कीम ऑफ मर्जर और डीमर्जर और अमलगमेशन ऑफ टू और मोर इंडियन कंपनीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय NCLT, द ट्रांसफरी कंपनी और न्यू कंपनी इज अलाउड टू इशू शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू द कंडीशन. तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि अगर अपन आपके इसमें कंपनी से 2013 डील कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपना टारगेट कहाँ पर डिस्कशन करना होगा कि भाई NCLT का अप्रूवल लेना है. अगर अपन 1956 की बात करते हैं तो उसमें हाईकोर्ट का अप्रूवल लगता था. ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, वंस द स्कीम ऑफ मर्जर डीमर्जर और अमलगमेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज हैज बीन अप्रूव बाय NCLT, नाउ यू गेट इट व्हाई आर यूजिंग द वर्ड NCLT, द ट्रांसफरी कंपनी और द न्यू कंपनी इज अलाउड टू इशू शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू द कंडीशन. जो नई कंपनी बन रही है अब वो शेयर इशू करने वाली है, इवन अगर आपके होल्डर्स बाहर के तो उनको भी शेयर इशू करने वाली है, पर ये कंडीशन फॉलो करते हुए, द परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन द ट्रांसफरी और न्यू कंपनी डज नॉट एक्सीड द सेक्टोरल कैप. पॉइंट का मतलब क्लियर है, द ट्रांसफर कंपनी और द ट्रांसफरी और द न्यू कंपनी इज नॉट एंगेज इन एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड अंडर
एफडीआई पॉलिसी. इसका मतलब क्या हो बेटा, वापस से, द ट्रांसफरर कंपनी और द ट्रांसफरी कंपनी और द न्यू कंपनी इज नॉट एंगेज इन एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड अंडर एफडीआई पॉलिसी. क्यों बेटा, क्योंकि अगर आप लोग एफडीआई पॉलिसीज के अंदर प्रोहिबिटेड हो और आपकी जो नई कंपनी बन रही है उस सेक्टर की बन रही है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को शेयर्स नहीं मिल सकते, क्योंकि वहां पे एफडीआई ने इस कंपनी को प्रोहिबिट कर रखा है. तो आपके ऊपर दो कंडीशंस है. पहली कंडीशन है कि आपने सेक्टोरल कैप के हिसाब से अलॉटमेंट करना है, और दूसरी बात, जो आपकी ट्रांसफरर कंपनी है या फिर जो नई कंपनी बन रही है, मतलब जिस पुरानी कंपनी के साथ मर्ज हो रहे थे और दूसरा जो नई कंपनी बन रही है, इज नॉट एंगेज इन एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड अंडर एफडीआई पॉलिसी. क्योंकि अगर आप एफडीआई पॉलिसी की प्रोहिबिटेड सेक्टर में हो तो हम आपको नए शेयर्स नहीं दे पाएंगे. सर तो ऐसे केस में क्या करने का, उन शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस, शेयर्स नहीं मिलेंगे. श्योर है? नोट, गवर्नमेंट अप्रूवल वुड नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मर्जर एक्विजिशन टेकिंग प्लेस इन सेक्टर्स अंडर ऑटोमेटिक रूट. इस नोट को बोलो कि हमें पता है ये बात. अब आ रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. डिट्टो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कभी सुना है? अब देखना वो कैसे होता है. बस खाली एक परसेंटेज याद करना है अपने. एन इंडियन कंपनी कैन इशू शेयर्स अंडर ईसॉप टू इट्स एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज ऑफ इट्स जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी अब्रॉड हु आर रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया. However, ESOP can be issued to citizen of Bangladesh with the prior approval of FIPB. What is FIPB? क्या बात है, फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. शेयर्स अंडर ESOP कैन बी इशूड डायरेक्टली और थ्रू ट्रस्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन. एक सेकेंड, पर अभी पहले ऊपर का मतलब समझते हैं. इसने क्या बोला आपको, इसने कहा एक इंडियन कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ ESOP. बेटा ESOP क्या होता है? Employee Stock Option Program. अपने employees को आपने शेयर्स का ऑप्शन दिया है. टू इट्स एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज ऑफ इट्स जॉइंट वेंचर. अच्छा दोस्त, इसने जॉइंट वेंचर यूज किया ना, तो ये बात कहना चाह रहा है बाहर किसी के साथ अगर आपने वेंचर किया है तो एक इंडियन कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दे सकती है इन द फॉर्म ऑफ ESOP, और इवन अपने उन एम्प्लॉयज को जो भी किसी जॉइंट वेंचर के तहत बाहर काम कर रहे हैं उनको भी शेयर्स दे सकती है. सही बात है, कोई कंडीशन नहीं इधर. होली ओन सब्सिडरी अब्रॉड हु आर रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया. पहली तीन लाइन एकदम क्लियर है. However, ESOP can be issued to citizens of Bangladesh with the prior approval of FIPB. Shares under ESOP can be issued directly or through a trust subject to the condition that the scheme has been drawn either in terms of regulation issued under SEBI Act 1992 or Rules 2014 by central government under the Companies Act as the case may be. Sirf aur sirf isko cut karke ek single line likhna. The scheme has been as per the regulation issued by SEBI or the relevant provision of Companies Act. As per the regulation specified by SEBI or the relevant provision of Companies Act. सारी चीजें हम याद नहीं रख पाएंगे ऐसे. अच्छा, आप ना employees को shares दे रहे हो, हमने कहा अच्छी बात है. Maximum कितने shares दे पाओगे employees को? 5% of the post issue capital. आपकी कंपनी की कैपिटल का 5% अपन अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. श्योर है? थर्ड, द कंपनी शैल फर्निश टू द रीजनल ऑफिस कंसर्न ऑफ द आरबीआई अंडर हूज ज्यूरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी ऑपरेट्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेट ऑफ इश्यू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और स्वेट इक्विटी शेयर्स अ रिटर्न एज पर फॉर्म ESOP. आपने एंड में अपने रीजनल ऑफिसर को बताना है कि भाई हमने ESOP के अलॉटमेंट कर दिए हैं और किन किन को अलॉटमेंट किया है. ये आप क्यों बताते हो? आप उनको बताना चाह रहे हो कि हमने सारी रेलेवेंट सेबी की गाइडलाइंस और कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस फॉलो किए, हमने जो अलॉटमेंट किया है उसमें 5% से ज्यादा के शेयर्स हमने हमारे एम्प्लॉयज को नहीं दिए, और हमारा जो एंटायर इशू है वो फेमा गाइडलाइंस के हिसाब से कॉन्सर्न्स एंड कंप्लायंस में है. समझ आ गया? ये तीन चीजें बताने की बात करते हैं. पहली कौन सी, कि हमारी स्कीम सेबी और कंपनीज एक्ट से अधर करती है, 5% से ज्यादा नहीं दिया है, और फेमा के एक्सटेंड कॉन्सिडेंट सारी तो ये नोट दिलाने वाला होगा. इशू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एन एम्प्लॉय डायरेक्टर हु इज अ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश पाकिस्तान. हमने कहा भाई होने को तुम क्या भाई हो, पर वन ब्रदर फ्रॉम अनदर ब्रदर शैल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ फादर. आपको भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको शेयर देने से पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा. इतना आराम से आपको हम लोग ओनरशिप स्टेक प्रोवाइड नहीं कर सकते. तो इसी तरह बांग्लादेश और इसी तरह पाकिस्तान
just in case he is that lucky to have us as their employer, they might get some shares provided father allows. See, coming down to share swap. आप लोगों ने सिक्योरिटी लॉ में स्वैप पढ़ा है, इंटरेस्ट रेट स्वैप, दैट द ऑब्लिगेशन ऑफ द इश्यूअर टू पे इंटरेस्ट एट द रेट फिक्स्ड इंटरेस्ट can be converted into floating interest if they want one. आपने currency swap भी पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा currency swap. Currency swap बता रहा है, the obligation to pay into dollars is converted into some other currency. इससे फायदा ये होता है कि भाई जो बंदा pay कर रहा होता है उसको exchange rate का फायदा मिलता है. यार कुछ बच्चे कह रहे हैं पढ़ा है, कुछ कह रहे नहीं पढ़ा. सुना सुना है और सुनना सुना. In either cases, अच्छा हो सकता है कि आपके थोड़े से नए पोर्शन में कुछ डिलीशन किए गए उन्होंने, ओल्ड सीएमएसएल के पोर्शन में तो ये सब हुआ ही करता था, ओल्ड सीएमएसएल ज्यादा डिटेल था, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपका पोर्शन बहुत छोटा कर दिया. विकास सर कह भी रहे थे कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत सिंपल कर दी है. अरे नहीं नहीं बहुत उदास हो जाते हो, विकास सर तो हमेशा उदास होते हैं जब जब उनके सामने सिक्योरिटीज बोल बोले हट तेरा वाला बढ़िया कर दिया, हमारा एकदम ही टीचर बता दिया, कुछ भी नहीं बता दिया ऐसे बोलते. आदमी का डेडिकेशन है भाई, मतलब टीचर खुश होना चाहिए कि सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हो कम, वो गुस्सा और क्या करने का. ऐसे लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे. शेयर स्वैप की बात कर रहे थे अपन. अच्छा शेयर स्वैप का मतलब जेन्युइनली स्वैप का मतलब स्वैप ऑब्लिगेशन ही होता है. अच्छा आपने एक्सचेंज वर्ड पढ़ा था ना, बस एक्सचेंज को ध्यान रखना, सेम चीज है, कुछ नया नहीं इसके अंदर. In case of investment by way of swap of shares, irrespective of the amount, valuation of the shares will have to be made by merchant banker registered with SEBI or investment banker outside India registered with the appropriate regulatory authority in host country. अभी है ना आपको एक provision पहले read करो और उसकी तरफ लेके जाऊँगा और आपको ये दोनों provision अपने आप ही समझ पाएंगे. Approval of government will also be a prerequisite for investment by swap of shares for sectors under government approval. No approval of government is required in automatic mode. In case of merger or an acquisition, shares can be used as currency to buy the target company without having to pay cash. अब समझ में swap का मतलब मैंने कहा था exchange. इसने कहा आप कहीं merger कर रहे हो, आप कहीं acquisition कर रहे हो, पैसा तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारी शक्ल बता रही है, तो आप करेंसी के तौर पे अपनी कंपनी के क्या यूज कर सकते हो, शेयर्स. कि तुम मुझे तेरी कंपनी के शेयर दे दे और मैं तुझे स्वैप में पेमेंट कैसे कर देता हूँ, शेयर्स. To buy the target company without having to pay cash. For example, if company A wants to acquire company B using share swap deal. Dekhna, A give B's shareholder some of its own shares in exchange of shares of B. They own B shares cease to exist. Baat samajh mein kya hua? A kya chah raha hai? बी को अक्वायर करना. ए क्या चाह रहा है? बी को अक्वायर करना. या बी के पीछे खड़े मंगते. देखा तुम खुद बोले इन्वेस्टर, मैंने नहीं बोला, पीछे खड़े इन्वेस्टर्स. ए ने बी को बोला तुम मंगो पैसे दो, पर मैं तुझे अपना बनाने की कसम खा गया है. ओके मैं समझ गया. इसने कहा बट मैं तेरे को पैसा नहीं पर और बहुत कुछ दे सकूं. अरे चीप पीपल अराउंड, दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी which is an artificial person. B को बहुत कुछ के रूप में ये अपनी कंपनी के शेयर्स दे सकता है और ये शेयर्स आप किसको दे सकते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं. Now do we get it? What is share swap?
शेयर स्वैप करते हो आपने क्या क्या ध्यान देना था, अब ऊपर की कंडीशन थोड़ा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। आपने कहा भाई कुछ ध्यान ही नहीं रखना था, सिर्फ वैल्यूएशन करवा लेना था, अप्रोप्रिएट ऑटोमेटिक रूट है तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट रूट है तो प्लेज ऑफ शेयर्स। प्लेज का मतलब क्या होता है सर? वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉरी हाइपोथिकेशन आप ऐसे गिरवी रखते हैं इसके लिए जान दे रहे और आप इसको गिरवी रखना चाह रहे हैं और इसके ऊपर पैसे लेना चाह रहे हैं। अ पर्सन बीइंग अ प्रमोटर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया उसके पास कंपनी के शेयर्स पड़े हैं व्हिच हैज रेज्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मे प्लेज द शेयर्स ऑफ बोरिंग कंपनी और दैट ऑफ इट्स एसोसिएट रेसिडेंट कंपनीज फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द ईसीबी provided that no objection for the same is obtained from a bank which is an authorized dealer. The authorized dealer shall issue no objection for pledge after satisfied that the ECB is in line with the FEMA guidelines. अरे important है ना सर, मेरे को लग रहा था कि इसको इसको important बात कर रहा हूँ but ऐसे कुछ खासा लग नहीं रहा। अच्छा बेकार से टॉपिक है पर पढ़ेंगे थोड़ा। A is an issue, उसने बाहर से उधार लाने की कसम उधार लाने गया तो बाहर से उसको क्या मिली ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल लोन। अच्छा एक की ना शक्ल में लिखा है कि काम कहां है और इनको पता है कि पेमेंट करने में क्या कर सकता है डिफॉल्ट कर सकता है तो उन्होंने बोला कि हमको चाहिए इज्जत नहीं भी सिक्योरिटी हमको चाहिए सिक्योरिटी सर देंगे सिक्योरिटी आप बिल्कुल देंगे तो ए ने बोला देख शक्ल पे मेरी लिखा है कि पैसे नहीं पैसे में आते कि सिक्योरिटी के रूप में मैं क्या कर सकता हूँ तेरे को अपनी कंपनी के शेयर्स क्या कर दूं यहाँ तक एकदम ठीक है। हमने कहा कि प्लेज करना कंप्लीटली अलाउड है बस आपको ऑथराइज डीलर बैंक के पास जाना है और एक नो ऑब्जेक्शन और वो आपको एनओसी देगा अगर आपका जो पूरा इशू है वो फेमा प्रोविजंस कंप्लायंट हम क्यों रोकेंगे आपको दे दो सिक्योरिटी। अब आपने जो फेमा के रेगुलेशंस है वो क्या क्या फॉलो करने हैं पहला आपके पास एक क्या होना चाहिए लोन एग्रीमेंट आप पैसा मांगने गए सामने वाले ने आपको पैसा दिया एग्रीमेंट के थ्रू सिक्योरिटी क्लॉज कि लोन एग्रीमेंट को सिक्योर करने के लिए मैं अपने शेयर्स आपको दे रहा हूं। थर्ड एनआरए लोन रजिस्ट्रेशन number. The borrower has obtained a loan registration number from the RBI and the said pledge would be subject to the following conditions. That the period of such pledge shall be coterminous with the maturity of the underlying ECB. इसका मतलब क्या होता है? ये shares तब तक ही security में रहेंगे जितनी ECB की life है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ECB की life 3 साल है पर share pledge कर रखे 5 साल के लिए। Second, in case of invocation of pledge का मतलब क्या? तुमने औकात दिखा दी और पैसे नहीं ट्रांसफर शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंड एफडीआई पॉलिसीज इशूड बाय आरबीआई। अगर आपने औकात दिखा दी तो ये शेयर्स आरबीआई पॉलिसी के हिसाब से बिकेंगे मतलब क्या कि जो भी इंसान अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता है वो यहाँ ब्रोकर को बोलेगा कि इंडियन मार्केट के अंदर इन शेयर्स को क्या कर दो सेल कर दो। ऊपर पढ़ के आए थे ये बात एक फॉरिनर इंडियन ब्रोकर को फोन करके बोल सकती है कि भाई पैसे अब मेरे शेयर्स ट्रांसफर कर दो एफडीआई पॉलिसी दोनों बात करेंगे। द ऑडिटर हैज सर्टिफाइड द बोरोइंग कंपनी विल यूटिलाइज द प्रोसीज ऑफ ईसीबी फॉर द परमिटेड एंड यूज ओनली। अच्छा आप सब है ना अपने घर से कुछ पैसे मंगाते हैं राइट अपने घर से कुछ पैसे मंगाते हैं आपके घर वालों के हिसाब से आप पैसे कहाँ यूज करते हो पढ़ने में लाइब्रेरी हमें पता है वो पैसा कहाँ जाता है सही बात है। अच्छा कोई ऐसा इंसान है जिसने जिस चीज के लिए पैसे मंगाए उधर ही इस्तेमाल किए थैंक यू हाँ मतलब तुमने मांगा ही उन्हीं चीजों के लिए होगा पैसा बट देखिए क्या होता है ना आप अपनी ऐसी लाइफ शेयर करते हैं जो आप अपने घर वालों को नहीं बता सकते बट उसके लिए हमें पैसे लगते हैं आप कुछ भी कर लो मैं तो अपने कॉलेज की भी 17-18 हज़ार से ज्यादा ही बताता था क्योंकि वही एक मार्जिन होता था साल कमाने का 12 महीने आपके पास 1000-1000 रुपये महीना एक्स्ट्रा होता था तो मेरा कैलकुलेशन बड़ा साफ होता था 1000 से 1500 बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन रेट ऑफ द कंट्री अभी मतलब पिताजी को हर चीज बता दी और मतलब
फिर मैं इस बात पे कि सर मतलब इतना घटिया इंसान नहीं देगा, मतलब ये अपना तरीका हुआ करता है कितना कंट्रोल करना है। ट्यूशन लगानी मुझे लगाने नहीं होती थी ट्यूशन, मैं सिर्फ कह देता था। जब मतलब समझ में आया क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, आई थिंक क्लास लगानी पड़ेगी। उनको पता ही कि यहाँ पे ऐसा छोटे मोटे क्लासेस होती नहीं, यहाँ पे मतलब ऐसी क्लासेस होती है 30-40 हज़ार मार्क कर दिया बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन साल भर सेट कर दिया, ऐसे आप सर्वाइव करते हो। अच्छा आपसे तो दूर के दूर में माइक के ला लिखता तान्हा ठीक है तुम रहो बट इन आइदर केस सब बहुत प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे। आपने कभी जीवन में एक रुपया भी दे रुपया नहीं किया, पूरा हिसाब लिख के भेजते हो कि ये डेयरी पे गया था 18 रुपये का दूध पिया गाय का दूध पिया, बहुत बहुत सही ना, हमारी कोई गलत आदत है ना कुछ है, हम कहीं पैसे बर्बाद नहीं करते, समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात है। तो एंड यूज वैसे अगर आपसे कोई कोई घर वाले होते ना वो बच्चे की औकात जानते हैं, ठीक है नहीं परम वो जानते हैं कि ये पैसे इधर उधर उड़ा सकता है और ये पैसे कहीं भी उड़ा सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो कुछ कुछ लोग है ना अपने पेरेंट्स बच्चे से बोलते हैं कि महीने के एंड में हिसाब लिख के दो कि आप पैसे कहाँ उड़ाते हो, कितने उड़ाते हो इससे लिख कर, कहाँ उड़ाते हो सिर्फ लिख के दे दो, ठीक है। व्हाई यू डू दैट, आप ना उसकी एंड यूज जानना चाह रहे थे पैसे का, ठीक है। आप शायद आप लोग एक बहुत बड़ा है ना महंगा फोन यूज करते हो बट स्टिल आपके पेरेंट्स आपको पार्टी नहीं करने जाने देते, उनका कंसर्न वो हजारों रुपये बचाना नहीं है, उनका कंसर्न है आपके एंड यूज को रिस्ट्रिक्ट करना। आप उनसे कोई महंगी गाड़ी मांग लो शायद गाड़ी दिला देंगे पर वो आपको रात को रबड़ने नहीं देंगे कि भाई कहीं भी जगह नहीं, उनका एंड यूज कंसर्न है। आप गाड़ी लेके ट्यूशन जाओ आपसे कभी नहीं पूछेंगे गाड़ी में पेट्रोल कितना लगा, एक दिन आवारों के साथ आओ ना आवारों का जनरल आवारों के रात को घूम के आ जाओ, अगले दिन तुमको पेट्रोल का भी हिसाब होगा कि देख कैसे बर्बाद करते हैं एवरेज एवरेज। एंड यूज दैट्स व्हाट मोर इंपॉर्टेंट एंड कंसर्न भी हमारा यही है। आप बाहर गए आप ईसी भी लेके आए, आपने कहा भाई ईसी भी इंडिया में ले जा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं बहुत तगड़ी, एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो बोला था झूठ नहीं होना चाहिए। तो ये ऑडिटर बताएगा कि नहीं नहीं आदमी सच्चा है जो पैसा लाया है उसी का नॉन रेसिडेंट होल्डिंग शेयर्स ऑफ एन इंडियन सेम एक्ट आप कट कर सकते हैं, कट इन द सेंस एक बार रीड कर लो बट नॉट ए फंड, ये दोनों चीजें आपने रीड कर ली जल्दी से रीड कर लो और फिर रेमिटेंस एंड रिपैट्रिएशन पास आओ। सो फार सो गुड, बहुत दिक्कत तो नहीं आई चैप्टर में, थोड़ा बहुत अगर ऐसे हो रहा है ना ए भाई वो एक रीडिंग के बाद ही आएगा, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, अगर 80-90% भी जा रहे हैं इट्स वेरी गुड। और ये सेम वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा वापस से, अगर आपको एक बार रिवीजन करते हैं वापस कर रहा हूं फिर से देख लेना। ऊपर किसी की लास्ट बक्से में डाल के खींच रहे हो ये माइक की आवाज है क्या? ओ प्लीज रेमिटेंस स्टार्ट करते हैं।
हाँ जी हेलो 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 हाँ जी जी सर हाँ सर मैं आपको लेक्चर के लिए पढ़ा रहा था हाँ सर पढ़ाई रहा मैं ख़त्म करके जाऊँगा आज ठीक है सर हाँ सर नहीं 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 सर मैं ख़त्म करके जाऊँगा आज जी सर बालिकाओं और पूछो शुरू करते रेमिटेंस एंड रिपैट्रिएशन के ऊपर देखो पूरा भाई का नाम रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स बात में एकदम ध्यान देना इंपॉर्टेंट है द रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ अ सिक्योरिटी टू द सेलर ऑफ शेयर्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया रेमिटेंस मतलब भेजना बाहर का सेलर है सेलर है मतलब उसने अपने शेयर्स भारत में बेच दिए लिखे जाते रहा पैसा हम बहुत ईमानदार द रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ सिक्योरिटी पैसा भेजना ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ सिक्योरिटी टू द सेलर ऑफ शेयर्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल बी मेड बिल्कुल भेजेंगे हमें नहीं चाहिए पैसा इन अकॉर्डिंग विद द प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस एंड एनओसी लेगा एनओसी किससे लेगा टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तेरे ऊपर इस शेयर के ऊपर तेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरा टैक्स पेबल है ओ सॉरी पेड है देखो जाते हैं देखो नोट द सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड देयर रेमिटेंसेस रेमिटेंस ऑफ एसेट जब ये पैसा यहां से भेजते हो ना इस टर्म को क्या बोला जाता है बच्चों रेमिटेंस ऑफ एसेट सही बात है गवर्न बाय फेमा रेमिटेंस ऑफ एसेट रेगुलेशन 2000 ये तो सिंपल है अब आता है रेमिटेंस इन केस ऑफ वाइंडिंग अप भारत में एक यूनिट थी आपकी आपने बड़ी कोशिश करी पर वो नहीं चला भारत में एक यूनिट थी आपकी बड़ी कोशिश की आपने वो नहीं चली वाइंडिंग अप पे गई और अब अमन उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं रेमिटेंस वाइंडिंग अप के बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो वापस भेज दे तुम्हारा पैसा हमको चाहिए संडे को लेके जाओ बात हुई थी अभी भी लेके जाओ पर वापस से हमारे यहाँ पे अगर कोई टैक्स टूक्स बाकी रह गया तो वो फिर ले जाओ एडी कैटेगरी वन बैंक्स आर अलाउड टू रिमिट वाइंडिंग अप प्रोसीड्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया व्हिच आर अंडर लिक्विडेशन आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स हमारा टैक्स भर दो जाओ तो पहले आके हमको बोलते दुगना लगान देना अब हम तुमको बोल हमारा जो वाजिब लगान है वो देना एडी कैटेगरी वन बैंक शैल अलाउ द रेमिटेंस प्रोवाइडेड द एप्लीकेंट एडी कैटेगरी वन आपका पैसा यहाँ से कब जाने देगा जब आप कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे पहला डॉक्यूमेंट का मतलब भी नहीं बताऊंगा दूसरे का भी नहीं बताऊंगा तीसरे का भी नहीं तुम ऐसे क्यों देख रहे हो कि पैसे वापस दिशा ले अच्छा बता रहा हूँ नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताया ऑलरेडी सेकेंड ऑडिटर का सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट किस चीज के रिलेटेड भाई कि देश में जितनी लाइबिलिटीज थी सारी की सारी उतार दी भाई ने अपने उसके बाद भी पैसे बच रहे इनके पास ऑडिटर का सर्टिफिकेट दैट द वाइंडिंग अप इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट अब क्या बता दिया मैंने अब पूछो तो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप अदरवाइज देन बाय कोर्ट मतलब कि वॉलंटरी वाइंडिंग कोर्ट बीच में नहीं आया था वाइंडिंग अप अदर देन कोर्ट ऑडिटर सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट देयर आर नो लीगल केसेस पेंडिंग इन एनी कोर्ट इन इंडिया अगेंस्ट द एप्लिकेंट जो अपनी दुकान बंद करना चाह रहे हैं उनको कोई केस नहीं कोर्ट बीच में नहीं आ रही मत आओ आप खुद अपनी दुकान बंद करना चाहते हो करो एक होता है धक्का खा के जाना और दूसरा होता है इज्जत से खुद उड़ के चले जाना सही बात है ऊपर वाले तीन केसेस में हम आपको धक्के देके निकाल देते क्या आपका वाइंडिंग अप होना जरूरी नीचे वाले आपने कहा कि हमें पता है कि तुम कभी धक्का दे सकते हो हम खुद जाएंगे इज्जत है हमारी हमने कहा एक सेकंड रुक जा पहले चेक कर लेते तेरी इज्जत के ऊपर और कितने लांछन लगे
अगर कोई लिटिगेशन नहीं है तो इज्जत है तेरी, गेट आउट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. यहाँ पे चार पॉइंट एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं. बहुत अच्छा. रिपैट्रिएशन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. भारत के शेयर में पैसा लगाया है, हम है डेवलपिंग नेशन, हमारी कंपनीज है ओवर डेवलपमेंट वाली, हमने कमाए पैसे ज्यादा, या गरीब तू भी थोड़ा ले जा. जब उस गरीब को तुम पैसा देते हो आप उसे कहते हो डिविडेंड, अगर उसे तुम्हारी इसी में पैसा लगाया आप जो उसे देते हो आप उसे कहते हो इंटरेस्ट. हमने कहा सेम डिविडेंड लेके जा, इंटरेस्ट लेके जा, हमें कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड टैक्स दे. हमारा कंसर्न टैक्स को है और कुछ नहीं, टैक्स भर ले जा. डिविडेंड आर फ्रीली रिपैट्रिएबल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन नेट आफ्टर टैक्स डिडक्शन. पहले हमारा टैक्स चाहिए, इफ एनी एज द केस मे बी. इंटरेस्ट ऑन फुल्ली मैंडेटरी कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर इज ऑल्सो फ्रीली रिपैट्रिएबल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन नेट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस. लेके जाओ, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ टैक्स बस, हमारा टैक्स दे दो, पैसा तुम्हारा. नोट, द रिपैट्रिएशन ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन. आपको चैप्टर 7 पढ़ाया था मैंने, एलआरएस के अंदर कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन सिखाया था. डिविडेंड और इंटरेस्ट रेमिटेंस किसके अंदर आता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. ऑन द कॉन्ट्ररी, रेमिटेंस ऑफ योर सेल प्रोसीड्स ऑफ द कंपनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एसेट कहलाता है. डिविडेंड और इंटरेस्ट करंट अकाउंट होता है, जबकि सेल एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है. सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों डिविडेंड आप अपने रेवेन्यू प्रॉफिट से कमाते हो, इसीलिए उसे अपन करंट ईयर में से देते हैं, इसीलिए अपन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलते हैं. आपकी कंपनी वाइंड अप हो गई या फिर आपकी कंपनी अपने पैसे वापस लेके जाना चाह रही है ऑफ द सेल प्रोसीड्स, ऐसे केस के अंदर आपका बिजनेस नहीं था, आपने एसेट बेचा, इसीलिए इसको अपन ने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोला है. इसीलिए इसकी बेचने को वापस से अपन ने रेमिटेंस ऑफ एसेट बोला. जल्दी से एक बार देख लो, मोड्स ऑफ पेमेंट अलाउड फॉर रिसीविंग डीडीआई इन इंडिया. डीडीआई का मतलब तुमको बताया था मैंने, बोल रहा हूँ कुछ हुआ है जो है पता नहीं भाई. प्लीज 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 जल्दी देख लीजिए ना, अगर कुछ रीड नहीं करोगे रह जाएगा. आपको अगर कोई अभी डाउट आया ना मैं एक बार सॉल्व कर सकता हूँ आपका डाउट. अब वैसे बात हो रही रिपोर्टिंग की, जब कभी भी आपके जीवन में कोई आता है रिपोर्ट करिए. अब यहाँ पे आपके जीवन में वो कोई, वो हसीन कोई है, पैसा. आपको बाहर से पैसा है, बहुत अच्छी बात है, रिपोर्ट कर दो. रिपोर्टिंग इन 30 डेज. एक इंडियन कंपनी को अगर बाहर से एफडीआई आता है, क्यों आता है? क्योंकि उसने शेयर्स इशू किए. क्यों आता है? क्योंकि उसने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दिए, क्योंकि उसने प्रेफरेंस शेयर्स दिए. उसने जितना पैसा एज अ कंसिडरेशन लिया है उसको बताना है जाके रीजनल ऑफिस में. रीजनल ऑफिस किसका है बच्चों? आरबीआई का. कितने दिन के अंदर बताना है? आने से 30 दिन के अंदर. इफ एक्स इज द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एफडीआई, विद इन 30 डेज आपने आरबीआई को इंटीमेट करना है. आरबीआई को किसको? रीजनल ऑफिस. सॉरी, केवाईसी एंड एफआईआर
Indian companies are required to report the details of the receipt of the amount of consideration for the issue of shares, debentures through an AD category 1 bank together with a copy of the foreign inward remittance certificate. आपके पास एक foreign का inward remittance certificate आ गया along with KYC report of the non-resident investor from the overseas remitting bank. अब ये थोड़ी सी नई चीजें जितनी देर से आपने पढ़ी नहीं है, तो एक बार इस नई चीज को inculcate करते हैं. इसका मतलब क्या है? ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने आपको हमेशा से कहा है our major concern is कि कौन पैसा लगा रहा है. हमारा मेजर कंसर्न है कि कौन हमारे ऊपर एक कंट्रोल एक्सरसाइज करने की कोशिश कर सकता है. इसका कहना था कि इंडियन कंपनीज का सबसे बड़ा काम है वो रिपोर्ट कर. अच्छा बेटा, इंडियन कंपनी है यहाँ पे तो रिपोर्टिंग तो वही करेगी. आपको याद है अपने फॉर्म में पढ़ा था, उसने रिसीट ऑफ अमाउंट बताना है कितना पैसा आया, इन रिटर्न उसने कितने शेयर दिए, कितने डिबेंचर्स दिए, टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस. What is foreign inward remittance certificate? ये बाहर की गवर्नमेंट से इशू किया गया एक नोट होता है कि हमने हमारे यहाँ के इन्वेस्टर को अलाउ किया है इतना पैसा भेजने के. इसका मतलब है कि आप जिससे पैसे ले रहे हो वो एक ऑथराइज्ड लेंडर है. जब उसके पास क्या होगा, एक फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट. ये तो बड़ा सिंपल. साथ साथ में आपको उस इन्वेस्टर का क्या लेके आना है, और KYC रिपोर्ट के लाने कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए ऑन द नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर फ्रॉम द ओवरसीज बैंक रेमिटिंग द अमाउंट. दोनों पार्टी का क्लियर है, रिपोर्टिंग 30 डेज एंड KYC इन FIRC. थर्ड, अलॉटमेंट ऑफ UIN मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. बाहर से भाड़े में पैसा लाए हो, UIN तो रहेगा. द रिपोर्ट वुड बी एक्नॉलेज्ड बाय द रीजनल ऑफिस ऑफ RBI व्हिच विल अलॉट अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर द अमाउंट रिपोर्टेड फॉर पार्टली पेड शेयर्स. An Indian company issuing partly paid equity shares shall furnish a report not later than 30 days from the date of receipt of all its payments. 30 दिन के अंदर रिपोर्ट भी देनी है, बच्चों 30 दिन के अंदर जब रिपोर्टिंग कर रहे हो तो रिपोर्टिंग में रिपोर्ट ही दोगे, तो दिल के मत लेना इस बात को. रिपोर्टिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स फाइलिंग ऑफ FCGPR. अब नंबर ऑफ डेज कॉन्स्टेंट रखना. अब ये फॉर्म बता रहा है आपको, after the issue of shares or debentures or convertible preference shares, the company has to file FCGPR not later than 30 days from the date of issue. Same hai, bas form number yaad rakhna, FCGPR ki filing hai. Completion of FCGPR has to be duly filled up and signed by the managing director, director, secretary of the company and submitted to the ED of the company who will forward it to the RBI. The following documents have to be submitted along with FCGPR. Beta baat samajhna. यहां से चालू करो रिपोर्टिंग ऑफ इनफ्लो. आपको 30 दिन के अंदर इनफ्लो बताना है. कैसे बताओगे इनफ्लो? FCGPR फाइल करके. कितने दिन के अंदर बताना था? 30 दिन के अंदर. किसको बताना था? आरबीआई के रीजनल ऑफिस पे. FCGPR कहां फाइल कर रहे हो? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू अलॉटमेंट. किसको? आरबीआई को. सही एकदम. अब जब आप आरबीआई के पास ये लेके जा रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स और साथ में आएंगे. ऑलरेडी आपको आते होंगे. अ सर्टिफिकेट फ्रॉम माय कंपनी सेक्रेटरीज दैट all the requirement of the Companies Act has been complied with, terms and condition of the Government of India if have been complied with, the company is eligible to issue shares and the company has all original certificates issued by authorized dealer in India evidencing the same. So, note, for companies with paid up capital with less than 5 CR, the above mentioned certification can be given by a practicing company secretary. Ab iska matlab kya hua? ऊपर वाले केस में ये तुम्हारा इन हाउस कंपनी सेक्रेटरी था, पर हाउएवर अगर आपकी कैपिटल 5 करोड़ से कम है तो हम जानते हैं कि आपके पास हमें अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है. अगर हमें अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है तो आप बाहर एक पीसीएस के पास जा सकते हो. सर्टिफिकेट फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. गोइंग अहेड, सर्टिफिकेट फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ने क्या कहा? अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मर्चेंट बैंकर और चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिकेटिंग द मैनर ऑफ अराइविंग एट द प्राइस ऑफ शेयर्स. आपने किस प्राइस पे कैसे आए, हमको उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए. नेक्स्ट अप इज रिपोर्ट ऑफ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन. यहाँ पे भी ऊपर पड़ा था, FCGPR फाइल करना है एडी कैटेगरी 1 के साथ रीजनल ऑफिस ऑफ RBI कि हम लोगों के पास पैसा आ गया है. यहाँ से ऊपर तक के सारे पॉइंट एक बार वापस देख लो.
Annual returns of foreign assets and liabilities. Annual returns on foreign liabilities and assets should be filed on annual basis by Indian company. आप देख रहे हो दिल दिलाने वाली बात. Annual returns, foreign liabilities और foreign assets के ऊपर annually करने पड़ते हैं. इस चीज को ध्यान देना बहुत important है, याद नहीं रहता. Directly with the RBI. This is an annual report to be submitted by 15th of July. आपको हर साल year end से पत्र लेना है. क्या फाइल करनी है आपकी एक एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट है किस चीज के ऊपर? फॉरेन लाइबिलिटीज एंड फॉरेन एसेट्स. बाहर पे तुमको कितना पैसा आने को है, बाहर तुम्हें कितना पैसा देना है, जाने को है. पर्टेनिंग टू ऑल द इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका पूरा साल खत्म हुआ. यहां से आपके पास 15 जुलाई तक टाइम. 15 जुलाई के अंदर प्रीवियस ईयर के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी. उसको प्रीवियस ईयर ही बोलते हैं ना आप. किस में? इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर किसको बोलते हो? इन विच इनकम इज अर्न्ड. असेसमेंट ईयर, आज आप असेस करते हो उसको और पे करते हो टैक्स. आप टैक्स एक साल पीछे वाले भी देते हो ना. प्लीज एक बार नोट रीड कर लीजिए. देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस नाउ. Now, अभी आपकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट इशू ऑफ बोनस एंड राइट शेयर. ये मैं आपको ऊपर भी पढ़ा के आया हूँ कि वापस से वही कंडीशन रिपीट करेगा. बट अपन एक बार और पढ़ लेते हैं, बार बार पढ़ते रहोगे रिवाइज होता रहेगा. इशू ऑफ बोनस राइट शेयर और स्टॉक ऑप्शन टू पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और ऑन अमलगमेशन मर्जर डीमर्जर विद एन एक्जिस्टिंग इंडियन कंपनी एज वेल एज इशू ऑफ शेयर्स एंड कन्वर्जन ऑफ ईसीबी रॉयल्टी लमसम. सारी पॉइंट ले आया ऊपर के नीचे. इसने कहा तूने इशू दिया इन द फॉर्म ऑफ बोनस, इशू किया इन द फॉर्म ऑफ राइट शेयर, इशू किया इंप्लॉइज को एज स्टॉक ऑप्शन टू पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली या फिर अमलगमेशन के लिए, मर्जर के लिए, डीमर्जर के लिए, एज वेल एज इशू ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन ऑफ ईसीबी, रॉयल्टी पे करने के लिए, लमसम देने के लिए, टेक्निकल नो हाउ करने के लिए, इंपोर्ट और कैपिटल गुड्स करने के लिए, यूनिट्स एंड एसईज़ेड हैज़ टू बी रिपोर्टेड इन फॉर्म एफसी. ऊपर जितने भी तरीके की चीजें पढ़ी थी तुम लोगों ने सबकी रिपोर्टिंग एफसीजीपीआर में होती जो फॉर्म में तुमको याद है. अगेन बढ़ू आगे. रिपोर्टिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ. अच्छा अब इसके अंदर ना कुछ भी फर्क नहीं, खाली फॉर्म बदल देंगे. और इसमें फाइलिंग के दिन आपको दिए गए 60. फॉर्म बदल दिया और फाइलिंग के दिन कर दिए 60. जल्दी से रीड करना, मेहनत की काम नहीं इसमें. फॉर्म का नाम क्या हो गया? FCTRS प्लस ऊपर 30 डेज थे, यहां पे 60 डेज कर दो फ्रॉम पैसा जब आया. जल्दी देखिए इस बार नेक्स्ट वाली चीज भी खाली रीड है, जल्दी देख लीजिए. उसमें ईसीबी डू फॉर्म फाइल करना है डीएसआईएम के साथ. जल्दी रीड करने वाले. सो फार सो गुड. एफडीआई बहुत टफ तो है, कोई डाउट नहीं सर. आपने नोट नहीं किया? ऑलमोस्ट बिडिंग एंड पहुंच गए आप लोग. अभी बस क्लियर प्रोविजन की तरफ आने वाले हो. 2 मिनट का ब्रेक दो.
और खत्म ही कर देना, ब्रेक मत देना, क्योंकि एक बार और हिम्मत नहीं तोड़ पाएंगे। चलो adherence to guidelines and orders कितना बाकी है राउंड? साले कितना दुख से क्वेश्चन निकल गया, तुझे क्या पता भाई क्या हालत हुई है हमारी, तो बस भाई कर रहे हैं माफ करो। adherence to guidelines and orders, FDI is a capital account transaction as if we never knew, does any violation of FDI regulations are covered by the penal provisions of FEMA, FDI का कोई भी उल्लंघन आप FEMA के अंदर ही जाने वाले, because FEMA covers any kind of capital account transaction. RBI administers FEMA and the Directorate of Enforcement under Ministry of Finance. तो आपके लिए कौन-कौन आ गया? Ministry of Finance के अंदर से Directorate of Enforcement आ गया और RBI आ गया. Is the authority for enforcement of FEMA. The Directorate takes up investigation in the contravention of FEMA. अब यहाँ पर कुछ चीजें समझने की है, मैंने आपको इसलिए मौका दे रहा, माने नहीं तो सुनो. FEMA is the supreme legislation which governs FDI in case of any failure. FEMA have two main bodies, RBI, which is the sanctioning authority. What do you mean by sanctioning? Who punishes? Sure. FEMA की एक और body है जिसने recognize किया है Ministry of Finance के अंदर Directorate of Enforcement को, जिसका काम है investigate करना. Investigate करना. Sure क्या? अपने घरों में आपने आज तक देखा होगा, आपके घर में मम्मी पापा में एक जना अटैकर होता है, दूसरा डिफेंडर होता है. अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो धोता एक ही हो, दोनों में धोते लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और दूसरा थोड़ी देर बाद बचा लेगा, ठीक है. और दूसरा है ना इन्वेस्टिगेशन का रोल प्ले करता है, कैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बात करता हूँ, गलत हो तो मान ले, और आप घबरा के दूसरे पेरेंट की तरफ देखते हो भाई गलती हो भी गई तो इसके बाद थोड़ी कि दरिंदे के हाथ में चाकू दे देना. मेरे घर में हमेशा से अगर मुझे पिटना होता था तो मम्मी अटैकिंग जोन पे रहती, और यूजुअली घरों में माई अटैकिंग जोन पे होती, इस बात को खुद मार खा लेते, ठीक है. मम्मी अटैकिंग जोन पे होती और मेरे पिताजी भी बैक पर एकदम आराम से बैठते हैं. तो मान लीजिए पेमा गाइडलाइन निर्धारित, पिताजी जो इन्वेस्टिगेशन का काम करते, बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मम्मी आती है RBI आपको पनिश करने के लिए. मोस्ट ऑफ द टाइम RBI पनिशमेंट देती है बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन, पर कभी कभी मम्मी का मूड बन गया तो और वो बोल रही थी, उन्हें कुछ पता पड़ा, शायद आपकी स्कूल की डायरी खुल गई, ऐसा पता पड़ा. ये सबके साथ हुआ होगा, मतलब आई थिंक अपन को स्कूल डायरी होती थी जिसमें ना मैम कोई लिखती थी इस कुत्ते की कोई औकात नहीं है स्कूल के अंदर, एक बार कुछ आके मिलो और उसको पट्टा बांध के भेजा करो, और आपको बोला जाता था इसमें मम्मी का साइन कर रखा है, और उसमें ना बड़ा एग्जैक्ट इंप्रेशन सेट करते थे मम्मी के साइन का, और कभी कभार ओवरडू कर जाते थे. आप लिखना चाह रहे थे जानकी, आप जानकी पूरा लिख देते थे, पूरा पूरा बड़ा वर्ड लिख देते थे, फिर उसका आता था शक, तुम फिर बोलते थे, ठीक है. तो कभी कभार RBI को जरूरत भी नहीं है, अगर अपफ्रंटली ऑन द फेस दिख रहा है ना डायरेक्ट ही काम किया है, ठीक है. आप सबकी शक्ल बता रही है तू कहाँ टच कर रहा है, बुक बंद करके रोने बैठ जाएंगे यहाँ पे, इतना मार खाइए तेरे भाई, ठीक है. दोनों बॉडी समझ में आ गई, ठीक है. तो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का क्या काम है? इन्वेस्टिगेशन करने का. RBI का क्या काम है? पनिश करने का. अब आती है पेनल्टीज. अच्छा देखो, पेनल्टीज को समझाया नहीं जाता तो प्लीज डोंट सी इन माय फेस. पहली पेनल्टी रीड करते हैं, इफ द कॉन्ट्रावेंशन इज अ क्वांटिफाइबल कॉन्ट्रावेंशन, व्हाट इज मीन अ क्वांटिफाइबल, जिसका नुकसान भरपाई कर सकता है. बस ठीक है, कितना कॉम्पनसेशन, आपने कहा भाई बच गया तो वही बात, पर इन आइदर केस कॉम्पनसेशन कितना, मेरा 1.5 लाख का बिल हुआ है, द
Does that make sense or similar? What we're trying to say is cannot be quantified. This is a subjective thing. Compensation will be based on some assumptions. However, उसने मेरा वॉलेट चोरी किया जिसमें 675 रुपए थे कैश ना खुले आ तो यहाँ पे मेरा कॉम्पनसेशन कितने पे रिवॉल्व करेगा द क्वांटिफाइबल डैमेज और मेरे पर्स था 150 रुपए हो गए 815 रुपए आप तो मान लो पासपोर्ट साइज फोटो के पैसे मत लो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज क्वांटिफाइबल अगर क्वांटिफाइबल है penalty up to 3 times of the sum involved in the contravention. जितने भी आपने नुकसान किया उसकी 3 गुना आपके ऊपर penalty आएगी. If the contravention is not quantifiable in terms of money, penalty up to 2 lakhs. Note: if the contravention continues, the penalty of rupees 5,000. Okay. Continuing penalty 5,000 per day जब तक कुछ सुधर नहीं जाता. Sure? मैं अगर quantifiable है तो 3 times. प्लस और क्या और क्या और क्या 5,000 पर डे जब तक कॉन्ट्रावेंशन सुधार नहीं लेता कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस जल्दी बता दो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है इतना पढ़ाया मैं यार कंपाउंडिंग का जनरल कंपाउंडिंग फाइन फाइन इन दोनों की बात का थोड़ा थोड़ा अंश उठा लेते जब आप अथॉरिटी के सामने जाते हो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो और कहते हो मल्टीपल गलतियां हुई है कहते हो कि यार मुझे जेल ले जाना कहते हो कि मुझे ज्यादा लिटिगेशन नहीं करना कहते हो कि जो भी है यही खत्म कर दे आउट ऑफ द कोर्ट मैं मेरा गिल्ट एक्सेप्ट करता हूँ मुझे तो ऑफेंस को कंपाउंड कर जितना थोड़ा कम फाइन लगे मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ अच्छा आज आपसे एक मर्डर हो गया आप कोर्ट की हेल्प कर दो ये कह के मुझसे हुआ है आई एम सॉरी मुझसे गलती हुई आपको पनिशमेंट करना होगा कोर्ट एनकरेज करता है मर्डर करना नहीं सच बोलना कोर्ट एनकरेज करता है सच बोलना कि आपने कोर्ट का टाइम बचाया आपने 6-7 साल बचाया हम भी आपके 2-3 साल बचाएंगे ठीक है तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है वी एग्री टू इट हम हर चीज मानने को तैयार है सर थोड़ा सा आप भी कंपाउंड कर दीजिए ऑफेंस को जितना हो सके कंपाइन लगा के छोड़ दीजिए वार्निंग देके छोड़ दीजिए तो भगवान तुम्हारा भला करे जो भी हो कंपाउंडिंग तो एक बात समझना क्या जीवन में खून करके मैं कंपाउंडिंग बोल सकता हूँ एक मिनट को कंपाउंड कर लिया तो कंपाउंडिंग होगी कौन से वाले केसेस में जहां पे जेन्युइनली फाइन से काम हो जाए जो आप दोनों मेन कट सर जल्दी रीड कर लो जी भैया हाँ बस मैं भी निकल ही रहा हूँ ठीक है भैया प्लीज इस चीज को जरूर देखिएगा कि कंपाउंडिंग कब तक हो सकती है इसमें से इतनी छोटी सी एक चीज नहीं बच्चा मां गलती मत कर देना Are heading onwards towards your last topic and FDI shall be sung up. It took us approximately 5 hours to get done with FDI entirely. First lecture to talk like about 3 hours ka tha, aur ye lectures 2.5 hours ka hai. So effectively 5-5.5 ghante lage aapko FDI karna. So I believe ki FDI ke liye good enough itna time bahut important tha. Matlab agar aap ghanton ke hisab se dekho to 5 din ke lectures humne FDI ko spend kiya. So more than sufficient. Coming down to establishment. Last topic है अच्छा this is important. Tough है क्या बिल्कुल भी नहीं मैं बात समझनी है heading क्या कह रही establishment कर रहे हैं आप एक branch office की आप इसे license office बुलाइए
प्रोजेक्ट ऑफिस बुलाइए इन इंडिया, बाहर से आ रहे हो मेरे भारत में एक ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हो, लाइजन ऑफिस खोलना चाहते हो, प्रोजेक्ट ऑफिस खोलना चाहते हो, खोलो बकायदा खोलो, पर कुछ कंडीशन है उनको फॉलो करो, उसके बाद अपनी ब्रांच लेके आना। पहली बात, कोई भी एंटिटी मेरे भारत में आके ब्रांच ऑफिस ओपन कर सकती है, हमने कभी मना नहीं किया। पर दो रूट है, अगर आप रिजर्व बैंक रूट की बात करो, दूसरा है गवर्नमेंट रूट। रिजर्व बैंक रूट का मतलब है वेदर प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द फॉरेन एंटिटी फॉल्स अंडर सेक्टर वेयर 100% एफडीआई इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक। अगर आप ऑटोमेटिक रूट के अंदर आते हैं, वेदर प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द एंटिटी फॉल्स अंडर द सेक्टर वेयर 100% एफडीआई इज नॉट अलाउड, application from the entities falling under the route is considered by RBI in consultation with Ministry of Government of India. मतलब क्या मैं इसको रिजर्व बैंक रूट को ऑटोमेटिक रूट के लिए बोल रहे हैं और गवर्नमेंट रूट को आरबीआई रूट बुला लूं? कोई बात नहीं, जहां पे 100% एफडीआई अलाउड है वहां पे आपको परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं, आप उसी को रिजर्व बैंक रूट भी बोलते हैं। और यहां पे जो नीचे गवर्नमेंट रूट है, गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या, आप ऐसे सेक्टर में जा रहे हो 100% एफडीआई अलाउड नहीं है, पहले किससे अप्रूवल लेना, आरबीआई से अप्रूवल लेना। सबसे पहला ब्रांच ऑफिस, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फॉर ओपनिंग ब्रांच ऑफिस, अ फॉरेन एंटिटी शुड हैव बीन अर्निंग प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 इयर्स इन द होम कंट्री एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। द फॉरेन एंटिटी शुड हैव नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख यूएसडी डॉलर और इट्स। दो चीजें, आपकी करंट नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, मतलब यूज़ अच्छा बेटा नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, आपकी टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज योर नेटवर्थ और द ओनर्स फंड इज योर नेटवर्थ। आपके पास आज ओनर्स फंड में कितना होना चाहिए, 1 लाख US डॉलर होना चाहिए, प्लस आपने प्रीसीडिंग 5 इयर्स से लॉस नहीं बुक करना चाहिए, आगे 5 साल प्रॉफिट रखना है। हम कहना चाह रहे हैं कि आप एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है जिसकी नेटवर्थ भी अच्छी है, वही ब्रांच ऑफिस भारत में है, क्योंकि तुम बाहर अपने वहीं बर्बाद हो तो हमारे आगे हमें बर्बाद करो। तो बेटर है कि आप हमारे आना चाह रहे हो ना, तो आपके बाहर का बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए पिछले 5 साल से और नेटवर्थ 1 लाख US डॉलर। अब कौन सी परमिसेबल एक्टिविटीज आप ब्रांच ऑफिस के नाम पर कर सकते हैं, आप भारत से गुड्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, हम आपको अलाउ करेंगे। आप भारत में आगे प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं, हम अलाउ करेंगे। आप हमारे भारत में आके कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर, हम अलाउ करेंगे। आप यहाँ पे आके किसी हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, उनके साथ आके यहाँ पे काम करना चाहते हैं, अपनी ब्रांच ऑफिस ओपन करके करिए। एक्टिंग एज कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द पेरेंट एंड द इंडियन कंपनीज, बाहरी कंपनी भारत की कंपनी इन दोनों के कम्युनिकेशन हो रहा है, इनका सर सुनो इतना लंबा कम्युनिकेशन चेक कर रहा हूँ, हम हमारी क्या भेज रहे हैं वहाँ पे ब्रांच ऑफिस में, इनसे कम्युनिकेट करो हम देख लेंगे, उसके लिए भी आ रहे हो आओ। रेंडरिंग टेक्निकल सपोर्ट एंड फॉरेन एयरलाइन एंड इनमें से किसी भी नाम को अगर आपको याद करें मैं तकलीफ है तो बताओ, नहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं किसी चीज में, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करने के लिए, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करने आइए, यहाँ पे कोलैबोरेशन करिए, कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करिए, टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए आइए, एयरलाइन शिपिंग कंपनी की तरह आइए। Coming down to license office. Condition for opening a license office. The foreign entity should have been earning profit during the preceding 3 years. Please mark करिएगा इसको. 3 years से profitable. अब आपकी network देखो ज़्यादा करवा देगा ये. In the home country as per the audited balance sheet and the foreign entity should have a net worth of not less than 50,000. I'm sorry, कम करवा देगा. 50,000. I'm so sorry. 50,000 US dollars. Permissible activities. कुछ भी नहीं है. Time pass है. License office है कि जिससे आप communicate करते हो. सही बात है, खाली communication के लिए. Representing in India, the parent company. Promote करने आया है, करने नहीं आया, promote करने आया, ये सिर्फ लाइजन ऑफिस है, आप यहाँ पे बिजनेस डेवलप करने आया है, ब्रांच नहीं है। Representing in India, the foreign brand. Promoting export and import in India. Promoting various collaborations. हम बात करवाएंगे। Acting as communication channel between parent and Indian company. Lizen office of foreign insurance companies and banks, Standard Chartered Bank. आप यहाँ पे लाइजन ऑफिस ला सकते हैं। Note, prior approval of IRDA is required by the foreign insurance company intending to establish the license. Foreign एक prior approval लगेगा IDRA का। IDRA क्या है? Insurance Development Regulatory Authority. अगर आप मेरे देश में insurance का काम करना चाह रहे हो तो पहले IDRA के पास जाओ, वो आपको allow कर दें,
उसकी हालत आ सकती है। श्योर। ब्रांच ऑफिस क्लियर। ब्रांच ऑफिस में देखो ये काम कर रहे हैं, लाइजन ऑफिस में सिर्फ रिप्रेजेंट प्रमोट, रिप्रेजेंट प्रमोट की बात चल रही, एक्टिविटीज सेम है। प्रोजेक्ट ऑफिस ये कोई एक ही काम के लिए आए होंगे प्रोजेक्ट अचीव करने। एनी फॉरेन एंटिटी कैन एस्टैब्लिश प्रोवाइडेड दे हैव अ सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट इन इंडिया। नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आरबीआई फॉर ओपनिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ सिक्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। द प्रोजेक्ट इज फंडेड डायरेक्टली बाय इनवर्ट रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय बायलैटरल और मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग एजेंसी। व्हाट इज बायलैटरल एजेंसी? बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज और मल्टीपल कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया। अगर मल्टीपल कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया तो जाहिर सी बात है इसकी क्रेडिट वर्थ इज बहुत अमेजिंग होगी। द प्रोजेक्ट हैज बीन क्लियर्ड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अथॉरिटी ने इसको अलाउ किया। If the above requirements are not satisfied, then the foreign entity has to approach the RBI for approval. अगर आपको inward remittance abroad से नहीं मिल रही, कोई ऐसा भी नहीं है कि आप लोग bilateral agreement से पैसा ला रहे हो, आपको authorities allow नहीं कर रही, तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? RBI के पास। Only be open for the purpose of completing a project secured under a project office सिर्फ और सिर्फ तब बनाया जाता है जब भारत के अंदर आपने कोई agreement किया था किसी चीज के लिए और उस चीज को complete करने के लिए उस purpose के लिए आप office जा रहे हो। अब सुनो ये कहानी एंड लेट्स एंड आज की दौरान। भारत में बाहर से बहुत सारे आते लॉ फर्म्स, हम लॉयर्स का काम करते हैं। ये लॉ फर्म्स बाहर से आती, कुछ अपने लोग लेके आती, कुछ अपने उठाती, प्राइसेस चार्ज करती है एक्स्ट्राऑर्डिनरली हाई। तो हमारे यहाँ के लॉ डिपार्टमेंट्स बड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। हाँ, हमें पैसा बहुत देती है पर फिर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम्स के हिसाब से काम करवाती है, मतलब 18-18 20 घंटे आपको काम करवाती है। जिसपे ऑर्डर आ गया बहुत रिसेंट ऑर्डर है, ज्यादा पुराना नहीं, कंफर्मेशन अभी भी है, जहां पे हमने कह दिया बाहर की लॉ फर्म अपना लाइसेंस ऑफिस है। आपने जो लाइसेंस का मतलब कम्युनिकेशन करना, प्रमोशन करना, बात करना, इधर की बात उधर ले जाना। हमने कहा जब लॉ फर्म हमारी, बात हमारी, एक्टिविटी हमारी और बाहर की लॉ फर्म को हमने आने नहीं दे रहे तो हमने लाइसेंस ऑफिस एक्ट क्यों लगा है? क्योंकि जब हम बाहर की लॉ फर्म ही आने आने दे रहे तो बाहर वाले लोग यहाँ पे आके लाइसेंस करके क्या करेंगे? लाइसेंस के सवाल तो तब उठे ना कि भाई आपको हमने काम करना अलाउ करना है। अब सिर्फ इंडियन लॉ फर्म हमें जो पहले की फॉर्म से उन्होंने बहुत सारे कमेंट मुझे उठाए होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन जब तक चल रहा है तब तक भारत में काम कर लो, आपका सम्मान, जैसे ही बात खत्म सम्मान की मांग किया आप अपने रिस्ते ठीक है।